अस्सलाम वालेकुम। अंतराल के बाद का समय शुरू होने जा रहा है। हम एक बार फिर से सभी व्यूवर्स का खैर मकदम स्वागत करते हैं कश्मीर सपोर्ट्स वॉच की दुनिया में। और ये लीजिए सलामी जोड़ी इशनाग और बुरान नबी इस समय मैदान के अंदर आए हैं। पहली गेंद का सामना करेंगे इशनाग। इस बार बढ़िया स्ट्रोक, कट खेला गया, गेंद बाउंड्री के बाहर, चार रनों के लिए। इशनाग के बल्ले से ये पहला चौका निकलता हुआ। मेरे साथ मेरे सहयोगी कमेंटेटर महनवाज अशरफ। महनवाज स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी व्यूवर्स को। मैं महनवाज अशरफ आप सभी का अभिवादन करता हूँ। 216 रनों का लक्ष्य सामने है बीसीसी बारामूला की ओर। इश्तियाक नाग और बुरहान नबी सलामी जोड़ी के तौर पर उतरी और इश्तियाक नाग ने पहली गेंद पर धागा खोल दिया, एक चौका जड़ दिया पॉइंट के क्षेत्र में चार रन के लिए और ऊपर से नो बॉल। बिल्कुल सही कहा आपने कि ये फ्री हिट का भी इशारा आता हुआ। और सामने कौन है, वादिया कश्मीर के सबसे दाकड़ खिलाड़ी। बढ़िया स्ट्रोक और कट किया, गेंद को पहुंचाया दर्शक दीर्घा में। इश्नाग के बल्ले से ये पहला छक्का निकलता हुआ। पहले जो दो गेंदे हैं, पहले गेंद पे चौका, दूसरी गेंद पे छक्का, यही तो करते हैं इश्नाग। जी बिल्कुल लवली, इश्तियाक नाग इसी के लिए जाने जाते हैं। दो गेंदों पे 10 रन और पहले ओवर पे एक आक्रामक रूप धारण किया इश्तियाक नाग ने। और अगर इश्तियाक नाग कुछ इसी प्रकार से खेलते रहे तो निश्चित रूप से फिर कठिनाई बढ़ती नजर आएगी सिटी जिमखाना के लिए। क्योंकि अगर इश्तियाक नाग पूरे पावर प्ले खेलेंगे 10 ओवर तक तो ये कुछ 10 ओवर में 150 तक पहुंचाएंगे लक्ष्य को। और सबसे बढ़िया बात किस गेंदबाज के प्रति, महराज मौलवी जो एक गेंदबाज है, इस बार बढ़िया गेंद, बैट और पैड को क्लोज मिलाकर गेंद को सम्मान देना चाह रहे थे। गेंद गई विकेट कीपर के दस्तानों में। इस बीच रनों में कोई भी इजाफा नहीं होता हुआ, लेकिन इश्नाग के बल्ले से जिस तरह के महराज ये पहले स्ट्रोक निकलते नजर आ रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि ये पूरी तरह से यही में नजर आ रहे हैं। जी बिल्कुल, इश्तियाक नाग इसके लिए जाने जाते हैं। और ये ताबड़तोड़ बल्लेबाज है, ये बड़े शॉट्स खेलने में काफी ज्यादा विश्वास जाता है और इसमें उस प्रकार की क्षमता भी है कि कुछ बड़े शॉट्स लगाते हैं। गेंदबाज चले एक बार फिर से बढ़िया गेंद, ऑफसाइड द ऑफ स्टंप फ्रंट फुट पे जाके खेलना चाह रही थी इश्तियाक नाग, लेकिन अच्छी वापसी वहां पर करते हुए महराज मौलवी और गेंद चली गई कीपर के दस्तानों में। और स्कोर जो है वो अभी भी घेरा रन, पहला ओवर इसमें जारी और तीन गेंदों पे घेरा रन बटोर लिया इश्तियाक नाग ने। तो यहाँ पे जोखिम लेने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। पारी की जो पहली गेंद थी उस पे इश्तियाक नाग ने एक छक्का, एक चौका जड़ा था, दूसरी गेंद पे छक्का लगा ऑफ स्टंप के ऊपर से। इस बार फिर से ऑफ स्टंप से बाहर झूमती हुई गेंद विकेट कीपर के दस्तानों में, लेकिन वाइट का इशारा होता हुआ, यानी कि अतिरिक्त रन उनके खाते में जुड़ता हुआ। इस अतिरिक्त रन के साथ 10 रन, ये पारी का पहला ओवर। मेज मौलवी इस समय कॉलेज एंड से ओवर द विकेट कर रहे हैं। नो सेकिंग एंड पे बुरान नबी जो एक युवा खिलाड़ी हैं, इश्नाग सबसे दक्कड़ खिलाड़ी इनको माना जाता है अगर आप वादिया कश्मीर की बात करें। इस बार फिर से बढ़िया गेंद अच्छे टप्पे पे, हालांकि पहले दो गेंदों पे रन जरूर अर्जित हुए हैं महनवाज, लेकिन उसके बाद एक अच्छी वापसी। जी बिल्कुल, एक अच्छी वापसी करते हुए यहाँ पर महराज मौलवी और सिटी जिम खाना को जितना हो सके इस साझेदारी को न्यूट्रलाइज करें। क्योंकि जब आप शुरुआती में विकेट लेते हैं तो निश्चित रूप से आप किसी भी टीम को बैकफुट पे धकेल सकते हैं और यहां पर उसी की दरकार रहेगी। चले एक बार फिर से बढ़िया गेंद, भाग्यशाली रहे इश्तियाक नाग की गेंद ने बल्ले का बाहरी किनारा नहीं छुआ। और इसी के साथ ये पारी का पहला ओवर चल रहा है, स्कोर 12 रन बिना किसी नुकसान के। इश्तियाक नाग 10 रन बना के खेल रहे हैं, 6 गेंदों का सामना किया, एक चौका और एक छक्का अभी तक लगाया। अंतिम गेंद करनी बाकी है महराज मौलवी की ओर से। 216 रनों का लक्ष्य सामने, उसका पीछा करते करते इस समय 12 रन पर पहुंच चुके हैं बीसीसीआई बारामूला की टीम। एक बार फिर से बाहरी किनारा, एक कैच, इसी के साथ विकेट का पतन। इश्तियाक नाग को यहां पर जाल में फंसा महराज मौलवी ने, एक बहुत बड़ा झटका लगता हुआ बीसीसीआई बारामूला को लावली। और जी हाँ, ये पहला ओवर इस समय चल रहा है। मेज मौलवी की बाहर जाती हुई गेंद को छेड़छाड़ करने का प्रयास किया था इश्नाग ने, सिर्फ कॉर्नर में एक खिलाड़ी नजर आ रहे थे, उन्होंने कोई गलती नहीं की। आबिद नबी के भाई वहां मौजूद थे, एक बेहतरीन कैच लिया गया इश्नाग का। इश्नाग की पारी इसी के साथ समाप्त हुई है, एक बेहतरीन कैच। और अब उनके आउट होने के बाद उनके कप्तान
जुबैदार आ रहे हैं मैदान के अंदर। कोई बहुत बड़ा भारी लक्ष्य तो हम महनाज नहीं कह सकते हैं, क्योंकि 30 ओवर्स में उनको केवल 216 रन चाहिए मैच जीतने के लिए। ऐसे में इश्नाक का खेलना बहुत जरूरी था। एक खराब शॉट और मेहराज मौलवी की ये पहली विकेट लगती हुई उनके हाथों में। जी बिल्कुल, एक बहुत बड़ी मछली को जाल में फंसाया यहाँ पर गेंदबाज मेहराज मौलवी ने। और अंतिम गेंद पर पहले ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर 12 रन एक विकेट के नुकसान पर। इश्तियाक नाग निराश कदमों के साथ पवेलियन की ओर जाते हुए, और एक खराब शॉट सिलेक्शन हम कह सकते हैं, क्योंकि जब आप को शरीर से दूर गेंद होती है तो उसका खेलना आसान नहीं रहता है किसी भी बल्लेबाज के लिए। पांचवी छठवीं विकेट पर जब गेंद होता है तब चांसेस ज्यादा रहते हैं कि गेंद जो है वो बाहरी किनारा छूती है। और ये लीजिए, दूसरे छोर से अब आबिद नबी आए हैं खुद कप्तान गेंदबाजी करने के लिए, और नई गेंदबाजी से ये अच्छी गेंदबाजी करते हैं, और खास तौर से गेंद को हिलाने की काबिलियत है उनके पास। और जैसा आप अपनी स्क्रीन के सामने देख रहे हैं कि बाजुए जो है वो इस समय वो खोल रहे हैं। फील्डिंग की अगर आप बात करें, स्लिप कॉर्नर में दो खिलाड़ी नजर आ रहे हैं, गली पॉइंट, बैकवर्ड पॉइंट, शॉर्ट कवर, मिड ऑफ पे नजीर टाइगर खुद मौजूद हैं, जो मैदान के अंदर चीते की तरह नजर आते हैं। अमूमन बढ़िया कैचेस वो लपकते नजर आ रहे हैं। और वादिया कश्मीर की शान आबिद नबी इस समय दूसरे छोर पे गेंदबाजी करने के लिए ओवर द विकेट कमेंट्री छोर एंड से गेंदबाजी कर रहे हैं। इस बार बढ़िया गेंद बुरान नबी के सामने सम्मान दिया। इस बीच रनों में कोई भी इजाफा नहीं होता हुआ, स्कोर अभी भी ठहरा हुआ 12 रन एक विकेट के नुकसान पे, और आउट होने वाले खिलाड़ी इश्नाक जो बड़ी मछली जाल में फंसी थी। जी बिल्कुल, अब उत्साह जो है वो उमदा नजर आता है अगर हम सिटी जिमखाना की बात करें। और ये बखूबी होता है जब आप विकेट लेते हैं तो निश्चित रूप से आपका आत्मविश्वास और ज्यादा बढ़ता है। एक बार फिर से बढ़िया गेंद, आपकी बाहर गेंद थोड़ी सी अंदर की तरफ आई, ड्राइव करना चाह रहे थे बल्लेबाज बुरहान नबी, लेकिन संपर्क बिल्कुल भी देखने को नहीं मिला। और इसके साथ और एक बिंदी गेंद आबिद नबी की ओर से। और सबसे बढ़िया बात महनवाज, अगर आप इस गेंदबाज के प्रति अगर आप शरीर से दूर स्ट्रोक्स खेलते हैं ना, तो फिर हमेशा दबाव में आप आते हैं, क्योंकि कंट्रोल में आप नहीं रहते हैं। गेंद अमूमन हवा में जाके पहुंचती है तो फिर दिक्कतें नजर आती हैं। इसलिए एक बल्लेबाज के तौर पे जितना हो सके शरीर के साथ खेलें, तब जाके बेहतर लगता है। जी बिल्कुल, चले एक बार फिर से आबिद नबी, बहुत ही बढ़िया गेंद। आपकी बात थोड़ी सी शॉर्ट ऑफ लेंगथ थी, गेंद की लेंगथ को थोड़ा सा छोटा किया था, वहां पर खींच के डाला ये गेंद आबिद नबी ने। और एक बिंदी गेंद, लगातार तीन डॉट गेंदें खेली वहां पर बुरहान नबी, तो इससे ये प्रतीत हो रहा है कि प्रभाव थोड़ा सा बढ़ चुका है बीसीसी बारामूला के ऊपर, क्योंकि इश्तियाक नाग जो है वो पवेलियन के ओर अभी अभी जा चुके हैं। आबिद नबी पारी का दूसरा ओवर कमेंट्री छोड़ एंड से इस समय गेंदबाजी कर रहे हैं। सामने युवा बुरहान नबी, इस बार बढ़िया गेंद, पैड और बैट को क्लोज मिलाकर गेंद को बैकवर्ड पॉइंट की ओर खेला। टाइमिंग ठीक ठाक थी, एक अच्छी फील्डिंग पूरा अनुमान के साथ, और उन्हें वहां गेंद को रोका। रन आउट होने की संभावना जरूर थी। और ये लीजिए, जुबैदार हाना हाना, लेकिन अंत में वो सुरक्षित अपने क्रीज में जरूर पहुंच चुके हैं, लेकिन काफी निराश है युवा खिलाड़ी से बुरहान नबी से। जी बिल्कुल, एक हाना हाना की काल थी और अंत में बाल बाल बचे जुबैदार, और जुबैदार काफी ज्यादा निराश, और जानते हैं कि यहाँ पर एक साझेदारी की दरकार है। अगर यहाँ से विकेट गवाती है बीसीसी बारामूला की टीम तो निश्चित रूप से काफी ज्यादा बैकफुट पे चले जाएगी। तो इश्तियाक नाग जो है उसको पवेलियन की ओर लौटा दिया है मेहराज मौलवी ने। स्कोर अभी भी 14 रन एक विकेट के नुकसान पर। एक अच्छा शॉट जरूर खेला था बल्लेबाज ने, और इन दो रनों के साथ बुरहान नबी ने अपना खाता भी खोला है, क्योंकि जब आप महनवाज बिंदी गेंदे खेलते हैं, डॉट गेंदे खेलते हैं, तो तब जाके थोड़ा सा दबाव उनके ऊपर फिर चला जाता है, फिर आप उसी बीच एक खराब स्ट्रोक खेल सकते हैं। अंपायर इस समय चेक कर रहे हैं, जो पिछले गेंद पे शॉट लगाया था बुरहान नबी ने, ऐसा अनुमान किया जा रहा था कि ये गेंद बाउंड्री के बाहर गई है। उस बीच अंपायर अब वही जा रहे हैं, इस समय वो दिखा रहे हैं, और इशारा आता हुआ गेंद बाउंड्री के बाहर 4 रनों के लिए। इस पारी का ये दूसरा चौका, इस बार बुरहान नबी के बल्ले से ये खूबसूरत चौका निकलता हुआ। कौन कहता है महनवाज, इस फॉर्मेट में आपको ताकत की जरूरत पड़ती है? जी नहीं,
अगर आपके पास काबिलियत है तो इस तरह के स्ट्रोक्स आप खेल सकते हैं। जी बिल्कुल, एक उमदा सुंदर शॉट खेला वहां पर बुरहान नबी ने, और इस शॉट के साथ आत्मविश्वास थोड़ा सा बढ़ जाएगा अगर हम बल्लेबाज की बात करेंगे। स्कोर जो है 16 रन एक विकेट के नुकसान पर। आबेदन नबी चले एक बार फिर से ड्राइव करते हैं इस गेंद को, अब की बार कवर और मिडऑफ के बीच में, लेकिन अच्छी फील्डिंग वहां पर। निश्चित रूप से 3 रन बचाए अपनी टीम के लिए, बहुत ही उमदा फील्डिंग और इसी की दरकार है। ये लीजिए उनके कप्तान जो आबिद नबी नजीर टाइगर को वहां शाबाशी देते हुए, क्योंकि जैसा उनका नाम रखा जाता है नजीर टाइगर, बिल्कुल टाइगर की तरह उन्होंने छलांग नजर आ रही थी आबिद नबी, उसको वहां शाबाशी देते हुए। और अगर आपको मैच जीतना है तो फील्डरों को योगदान देना बहुत जरूरी, जैसा पारंपरिक तौर पर क्रिकेट में देखते हैं आबिद नबी दूसरी पारी का दूसरा ओवर, अपने कोटे का पहला ओवर 17 रन एक विकेट के नुकसान पर आउट होने वाले खिलाड़ी इशनाग, जिन्होंने कुछ दर्शनीय स्ट्रोक्स खेले थे, अगली बार फिर से आ रहे हैं। इस बार लेग स्टंप के आसपास गेम थे, रन बनाने का वहां संभावना नहीं, इस बीच रनों में कोई भी इजाफा नहीं होता हुआ ओवर समाप्त हुआ 17 रन एक विकेट के नुकसान पे। बीसीसी बारामूला जुबेडार अब तक रन बनाने में काफी असफल हुए हैं, बुरहान नबी ने 5 गेंदों में 5 रन बनाए हैं जिसमें एक चौका मौजूद है, 216 रन मैच जीतने के लिए बनाने होंगे। देखिए अगर यहाँ से थोड़ी देर तक डॉट गेने भी खेलेंगे तो, लेकिन यहाँ पर एक साझेदारी की दरकार है, क्योंकि अगर आप साझेदारी बनाते हैं तो फिर आप मैच में बने रहेंगे, अगर लगातार विकेट्स अंतराल पे गिरते रहें तो निश्चित रूप से आप मैच को हार सकते हैं। और अभी भी जो है 199 रनों की दरकार है 168 गेंदों पर, जो रिकॉर्ड रन रेट है वो 7.11 की है, तो करंट रन रेट जो है वो 8.50 की चल रही है, तो विकेट रन्स बिल्कुल आ रहे हैं बीसीसी बारामूला के लिए, लेकिन विकेट्स नहीं गंवाने होंगे पारी के दूसरे ओवर की समाप्ति के बाद। और विकेट हाथ में रखनी बहुत जरूरी है, क्योंकि जब आपके पास विकेट हाथ में होती है फिर आप बड़े स्ट्रोक्स खेल सकते हैं, लेकिन अगर आप शुरुआत में ही विकेट खो बैठते हैं तो फिर माध्यक्रम के ऊपर दबाव रहता है, आप उस तरह के स्ट्रोक्स खेल नहीं सकते हैं जैसा आप हमेशा खेलते नजर आ रहे हैं। मिज मौलवी और द विकेट कॉलेज से बुरान के लिए अच्छी गेंद पड़ने के बाद झूमती हुई गेंद विकेट कीपर के दस्तानों में, इस बीच रनों में कोई भी इजाफा नहीं होता हुआ मिराज मौलवी अपने बॉलिंग मार्क पे फिर से जा रहे हैं। पहले ओवर में हालांकि पहले 2 गेंदों में इश्तियाक नागरे उन्होंने छक्का और चौका लगाया था, लेकिन उसके बाद एक अच्छी वापसी एक बढ़िया गेंद, कहते हैं ना कि अगर आपके पास वो काबिलियत है तो आप दर्शा सकते हैं मैदान के अंदर, वही दर्शा रहे हैं यहाँ ये गेंद। बिल्कुल एक अच्छी गेंदबाजी मिराज मौलवी की ओर से, और अभी तक जो है टप्पा जो है वो पकड़ के रखा है, लगातार आउटसाइड ऑप्शन गेंदबाजी करो और ऊपर से उसी प्रकार से फील्डिंग की सजावट रखी है, 2 स्लिप के साथ और एक गली, 3 खिलाड़ी को जो है उस स्लिप कॉर्डन में रखा है मिराज मौलवी ने और उसी अनुसार गेंदबाजी कर रहे हैं। आमिर मोगा गली क्षेत्र के अंदर इस समय मौजूद है, स्लिप कॉर्डन में 2 खिलाड़ी नजर आ रहे हैं पाई कैचिंग पोजीशन पे। अब जुबेडार उनके कप्तान इस समय अंपायर से गॉड लेते हुए, जुबेडार एक अच्छे खिलाड़ी है, तकनीकी रूप से ये बहुत सक्षम है और क्योंकि कप्तान भी है, अगर यहाँ कप्तानी पारी ये खेल सकते हैं तो 4 चांद लगा सकते हैं इस फाइनल के अंदर। जी बिल्कुल, एक कप्तानी पारी की दरकार है यहाँ पर। मिराज मौलवी चले एक बार फिर से बढ़िया गेंद, टप्पे के साथ साथ एक अतिरिक्त उछाल मिला इस गेंद पर, और जुबेडार ने छेड़छाड़ करने का बिल्कुल भी प्रयास नहीं किया और जाने दिया कीपर के दस्तान में। और जानते हैं कि जब शुरुआती में गेंदबाजी होती है तो काफी ज्यादा मूव देखने को मिल रहा है, और उसी प्रकार से यहां पर लगातार बड़े शॉट्स खेलने का प्रयास बिल्कुल भी नहीं कर रहे जुबेडार। और इश्फाक मीर लिख रहे हैं कि इश्नाग विल परफॉर्म ऑन थर्सडे फाइनल एट एंजेलस ट्रॉफी कोलंगाम शोआ, जी हाँ मुझे वो सोचना अब तक नहीं मिली है, लेकिन आशा करेंगे कि वो इस मैच का भी हिस्सा होंगे। मिज मौलवी ओवर द विकेट जुबेडार के लिए, इस बार शॉट गेंद थी बैक फुट पे जाकर गेंद को गली क्षेत्र के अंदर खेला था जहां आमिर मोंगा मौजूद हैं, और उसने गेंद को फील्ड किया तब जाकर एक रन दौड़ने में कामयाब हुए हैं 2 खिलाड़ी। सिकोरिना 2 एक रन के साथ 19 रन बोर्ड पे लग चुके हैं एक विकेट के नुकसान पर, 2.4 ओवर की समाप्ति के बाद। व्यूअर्स लगातार हमारे साथ जुड़ते नजर आए, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी व्यूअर्स को, और आप समय इस समय लाइव प्रसारण सुन रहे हैं कश्मीर सपोर्ट्स वॉच के माध्यम से, जिसमें हमारा सहयोग कर रहे हैं गनी ऑटो व्हील्स, जो गाड़ियों की हर एक सर्विस वहाँ पे उपलब्ध है, डेंटिंग से लेकर पेंटिंग तक, और उसके बाद
और इस बार ऑफ स्टंप से बाहर झूमती हुई गेंद। ये विकेट कीपर के दस्तानों में इस बीच रनों में कोई भी इजाफा नहीं होता हुआ ये जो लाइव प्रसारण आप तक पहुंच रहा है उसमें हमारा सहयोग कर रहे हैं गनी आटू व्हील्स और उसके साथ किस इंटरनेशनल सपोर्ट्स, कौन इंटरनेशनल सपोर्ट्स हमारे साथ इस समय भागीदारी कर रहे हैं, हम उनके बहुत आभारी हैं क्योंकि मुश्किल समय में जब कोई साथ देता है वो हमेशा याद रहा जाता है। इस बार अच्छी गेंद, अच्छी उछाल के साथ गेंद गई विकेट कीपर के दस्तानों में। इस बीच एक बार फिर से रनों में कोई भी इजाफा नहीं होता हुआ डॉट गेंद के साथ ओवर की समाप्ति। तीन ओवर की समाप्ति के बाद 19 रन एक विकेट के नुकसान पे जीतने के लिए 216 रनों का लक्ष्य मिला है बीसीसीआई बारामूला को। और महराज मौलवी के पास इस प्रकार का पावर पॉइंट है, लंबे कद के गेंदबाज है, तकरीबन गेंद जो है वो 7-7.5 फीट के ऊंचाई से गिरती है तो उसका लाभ मिलता है इस गेंदबाज को, एक अतिरिक्त उछाल मिलता है और उसी से ये काफी ज्यादा सफल हुए अभी तक। आबिद नबी और नजीर टाइगर इस समय आपस में लगातार बातचीत कर रहे हैं। जैसा आप ये बल्लेबाज जानते हैं कि ये एक युवा खिलाड़ी, एक अनुभवी खिलाड़ी ये दोनों हैं, ऐसे में वो इस मैच को बड़ी नजदीक से देखते हैं। आबिद नबी जिसको स्विंग का सुल्तान माना जाता है, स्लिप कॉर्नर में दो खिलाड़ी नजर आ रहे हैं, कैचिंग पोजीशन पे गृह क्षेत्र के अंदर भी एक खिलाड़ी तैनात किया जा रहा है और ये लीजिए अब एक और स्लिप, थर्ड स्लिप का भी यहाँ अब उपयोग किया जा रहा है। जी बिल्कुल, सोच ही रहेगी कि आउटसाइड ऑफ स्टंप गेंदबाजी करें। आबिद नबी चले, ब्लॉक होल में गेंद थी, खोद के निकाला वहां पर बल्लेबाज जुबैर डार ने और अच्छी सोच, एक नजरे बनाई रखी और अंतिम समय में एक जो बल्ला है वो ठीक कर नजदीक आया और ठीक टाइम पे आया और गेंद को रोकने में सफल हुए वहां पर। स्कोर जो है वो अभी भी 19 रन एक विकेट के नुकसान पर। एक अच्छी शुरुआत थोड़ी सी दिलाई थी इश्तियाक नाग ने लेकिन उसके बाद जो है रनों पे अंकुश लगा। आज जहां स्ट्रोक्स तो कुछ अच्छे उन्होंने खेले थे लेकिन पहले ही ओवर में उनका विकेट का पतन हुआ था। इस बार बढ़िया गेंद बाहर की ओर झूमती हुई गेंद विकेट कीपर के दस्तानों में। इस बीच एक बार फिर से रन गति में कोई भी इजाफा नहीं होता हुआ। अगर आप इसी तरह से बिंदी गेंद खेलेंगे, डॉट गेंद खेलेंगे तो नतीजा आपके ऊपर दबाव आएगा, फिर आप अचानक अग्रता बंद होती है, आप खराब स्ट्रोक खेलने में कामयाब होते हैं, फिर विकेट का भी वहां पतन होता हुआ। फिर ऐसे में आप कोशिश करें स्ट्राइक को रोटेट करने की, जिस तरह से सिटी हंकर्स जिमखाना ने किया था। पहले ओवर में उनका भी विकेट गिरा था लेकिन उन्होंने फिर बढ़िया बल्लेबाजी की थी अगली बार फिर से। इस बार शॉर्ट गेंद, जुबैर ने गाइड किया थर्ड मैन की ओर, थर्ड स्लिप के ऊपर से महराज मौलवी बिल्कुल थर्ड मैन के बाहर खड़े हैं और उन्हें गेंद को पूरा अनुमान के साथ गेंद को फील्ड किया, तब जाकर एक रनों का यहां इजाफा होता हुआ। इस एक रन के साथ 20 रन बोर्ड के ऊपर, ये पारी का चौथा ओवर इस समय आबिद नबी उनके कप्तान डाल रहे हैं। बिल्कुल, आबिद नबी ने 1.3 उनका अभी जो है गेंदबाजी करी है जिसमें उन्होंने 6 रन अभी तक खर्च किए। अच्छी गेंदबाजी, नबी तुली गेंदबाजी कर रहे हैं और इसी की दरकार रहेगी यहाँ पे। अब सामना करेंगे बुरहान नबी ने अभी तक 9 गेंदों का सामना किया जिसमें उन्होंने केवल 6 रन अभी तक बटोर लिया और एक चौका जड़ दिया कवर के क्षेत्र में। तो यहाँ पे एक साझेदारी की दरकार है बीसीसीआई बारामूला को क्योंकि शुरुआती में जब साझेदारी आती है फिर जो अगले क्रम के बल्लेबाज होते हैं फिर उनको आसानी रहती है कि वो फिर अच्छे शॉट्स खेलो और उसके बाद जो है जहांगीर लोन का आना बाकी है। गेंदबाज आबिद नबी चले, एक बार फिर से शरीर से दूर थी, उठाकर मारने का प्रयास किया था वहां पर बुरहान नबी ने लेकिन आपकी बार गति में मिश्रण किया था आबिद नबी ने, अच्छी गेंदबाजी। और जैसा मैं महनवाज अपनी भाषा में कहता हूं कि हमारे वादिया कश्मीर का कोहिनूर जहांगीर लोन इस समय डग आउट में बैठे हैं, चीते की तरह वो इंतजार कर रहे हैं अपनी भरी का। फिलहाल इशनाक के आउट होने के बाद सुबेदार मैदान के अंदर आ चुके हैं। इस बार बढ़िया गेंद, ड्राइव करना चाह रहे थे, शरीर से दूर फिर बार खेलने का प्रयास किया था। आबिद नबी के सामने आप इतना ढीला स्ट्रोक नहीं खेल सकते हैं, वो भी तब जब ये गेंद को इतना बढ़िया तरीके से हिला रहे हैं। आप मानसिकता देखें, 3 स्लिप वहां तैनात किए हैं आबिद नबी ने अपने गेंदबाजी के सामने, तो आप कल्पना कीजिए कि किस तरह की गेंदबाजी वो करते नजर आ रहे हैं। जी बिल्कुल, ये तो यहां से बिल्कुल प्रतीत हो रहा है कि दोनों ओर से गेंद को हिला रहे हैं ये गेंदबाज आबिद नबी और तुबी तो पूरी तरह से अभी तक सफल हुए हैं, केवल 6 रन खारिज किए और विकेट यहां से देखने को मिल रही है।
अगर इसी प्रकार से गेंदबाजी करते रहे। चले आबिद नबी एक बार फिर से बढ़िया गेंद, अब की बार गेंद की लेंथ को थोड़ा सा छोड़ा और वहां पर मिस फील्डिंग देखने को मिली और मिस फील्डिंग के कारण दो रन यहां पर अर्जित किया बल्लेबाज ने। अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट, सिकोरी ने दो रनों के साथ 22 रन बोर्ड पे लग चुके हैं और एक विकेट गवा दिया है इश्तियाक नाक के रूप में बीसीसी बारामूला ने। और इसी के साथ ओवर की समाप्ति, चार ओवर की समाप्ति के बाद 22 रन एक विकेट के नुकसान पे आउट होने वाले खिलाड़ी इश्नाक, जो वादिया कश्मीर का एक बढ़िया खिलाड़ी माना जाता है क्योंकि अमूमन उसको लोग बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, क्योंकि जब जब वो खेलते हैं वो तेज़ गति से रन बटोरते हैं अपनी टीम के लिए। वादिया कश्मीर के समर्थन उनके बहुत ज़्यादा हैं, ऐसे में उन्होंने पहली गेंद पे चौका, दूसरी गेंद पे छक्का जरूर जड़ा था, महराज मौलवी की बाहर जाती हुई गेंद पे उन्होंने छेड़छाड़ करने का वहाँ प्रयास किया था, स्लिप कॉर्नर में वहाँ खिलाड़ी नजर आ रहे थे, उन्होंने एक बेहतरीन कैच लिया गया, उसी के साथ इश्नाक का वहाँ पारी हुई समाप्त हुई है। तो अब एक बार फिर से महराज मौलवी गेंदबाजी कर रहे हैं कॉलेज एंड से, उनके सामने है जुबैदार जो इस टीम के कप्तान हैं, जुबैदार बारामूला क्रिकेट फोरम के जनरल सेक्रेटरी भी हैं, ऐसे में वो क्रिकेट को बढ़िया तरीके से बढ़ावा जरूर दे रहे हैं। आदिल अहमद लिख रहे हैं कि क्लियर कमेंटेटर्स प्लीज गो क्लोज टू द बैट्समैन। जी हाँ आदिल भाई, हमें हमेशा प्रयास होता है लेकिन वो उचित नहीं है, खिलाड़ी उससे डिस्टर्ब होते हैं। इस बार ऑफ स्टंप से बाहर झूमती हुई गेंद गई विकेट कीपर के दस्तानों में, इस बीच रनों में कोई इजाफा नहीं होता हुआ स्लिप कॉर्नर में बहुत बढ़िया चित्र नजर आ रहे हैं, चार स्लिप वहां, तीन स्लिप वहां तैनात किए गए हैं। तो एक तरह से हम यूं कहें तो इस समय बिल्कुल फील्ड अनुसार गेंदबाजी हो रही है। मेज मौलवी उसको सुपर एक्सप्रेस माना जाता है, हल्के रन अप के साथ अच्छी गेंद, फिर से पटकी हुई गेंद थी, विकेट जुबैदार ने जाने दिया विकेट कीपर के दस्तानों में। इस बार एक फिर से बात कि इस बार रन गति में कोई भी इजाफा नहीं होता हुआ। अब शायद महराज उन्होंने रणनीति ये बनाई है कि विकेट खोने नहीं है, ऐसा मुझे प्रतीत हो रहा। आप किस तरह से इस खेल को देख रहे हैं? देखिए लवली, गेंदबाजी कुछ उच्च कोटि की हो रही है और बिल्कुल भी मौका नहीं दे रहे यहाँ पर बल्लेबाजों को हाथ खोलने का महराज मौलवी। चले एक बार फिर से बढ़िया गेंद, देखिए लाइन जो है पहले गेंद से पकड़ के रखी है इस गेंदबाज ने और तभी तो ये काफी ज्यादा सफल हुए महराज मौलवी अपने जो है पारी का। इसमें कोटे का तीसरा ओवर डाल रहे हैं और अभी तक अच्छी गेंदबाजी करी है नपीतुली गेंदबाजी, अभी तक केवल 14 रन खारिज किए महराज मौलवी और वो जो 14 रन है उसमें 12 रन पहले ओवर में आए थे। हम अपने सभी व्यूअर से अनुरोध करते हैं कि आप इस लाइव प्रसारण को लगातार शेयर करते रहे ताकि जो अन्यथा लोग हैं जो क्रिकेट को पसंद करते हैं वो हमारे साथ जुड़ पाएंगे। और ये लीजिए फील्ड की सजावट देखें, 9 खिलाड़ी जो है सारे ऑफ साइड में और बहुत बढ़िया चित्र है। मुझे लग रहा है अगर कैमरामैन कोई होता और इस बार वहां बढ़िया अपील होती हुई, सभी खिलाड़ी अंपायर के बिल्कुल नजदीक जा रहे हैं और लेकिन अंपायर के ऊपर कोई प्रभाव नहीं, जुबैदार इस बार सामना कर रहे हैं लेकिन कैमरामैन के लिए बहुत बढ़िया चित्र थे। स्लिप कॉर्नर में 5 खिलाड़ी नजर आ रहे थे, सारे खिलाड़ी ऑफ साइड के अंदर नजर आ रहे थे, बहुत बढ़िया क्रिकेट देखने को मिल रहा है। जी बिल्कुल लावली, जिस प्रकार से टेस्ट में फील्डिंग की सजावट रखी जाती है और उसी प्रकार से महराज मौलवी ने कुछ उस प्रकार का माहौल उत्पन्न किया है यहाँ पर और जितनी प्रशंसा की जाए उतनी कम इस गेंदबाज की, और जिस प्रकार से गेंदबाजी कर रहे हैं और बिल्कुल भी मौका नहीं दे रहे बल्लेबाजों को हाथ खोलने का। अभी भी जो है 5-6 खिलाड़ी और जो है स्लिप कॉर्नर में, ये लीजिए कितने खिलाड़ी स्लिप कॉर्नर पर तैनात है, खिलाड़ी नजर आ रहे हैं 5-6 खिलाड़ी जो है स्लिप कॉर्नर पे नजर। एक बार फिर से बढ़िया गेंद और बिल्कुल भी मौका नहीं दे रहे बल्लेबाजों को हाथ खोलने का और पूरी तरह से चौंकाया जुबैदार को इस गेंदबाज ने। महराज मौलवी जितनी प्रशंसा की जाए उतनी कम इस गेंदबाज की। और जितने भी व्यूवर्स इस समय हमारे साथ जुड़ रहे हैं उनको क्या लग रहा है इस फील्ड के बारे में? मैंने कैमरा आपकी ओर से जरूर किया था और स्लिप कॉर्नर में तकरीबन 5 खिलाड़ी नजर आ रहे हैं, सारे के सारे खिलाड़ी 30 गज दायरे के अंदर बुलाए गए हैं उनके कप्तान ने। तो आप मानसिकता की अगर आप बात करें तो आप अंदाजा लगा सकते हैं, आबिद नबी
किस तरह के कप्तान हैं मेज मौलवी ओवर द विकेट कॉलेज से। इस बार फिर से बढ़िया गेंद पड़ने के बाद कांटा बदलती हुई गेंद विकेट कीपर के दस्तानों में। इस बीच रनों में कोई भी इजाफा नहीं होता हुआ इस बार सही टप्पे पे गेंदबाजी हो रही है। ये पांचवा ओवर इस समय चल रहा है 24 रन एक विकेट के नुकसान पे। एक बार फिर से आप देखिए कि स्लिप कॉर्डन पर कितने खिलाड़ी तैनात और किस प्रकार की फील्डिंग रखी है यहाँ पर आबिद नबी ने, और ये इसके लिए जाने जाते हैं। काफी सारा अनुभव है इस खिलाड़ी के पास। 6 खिलाड़ी को जो है स्लिप कॉर्डन पर तैनात किया गया है, तो 7 खिलाड़ी है उनको स्लिप कॉर्डन के बिल्कुल नजदीक से सारे खिलाड़ियों को अब लाया गया है। आप देखे ये विचलित फील्डिंग है अमूमन ये लाख मैचों में एक बार देखने को मिलती है, इसलिए हमने आपको फील्ड की। और इस बार बढ़िया गेंद ऑफ स्टंप से बाहर झूमती हुई गेंद, रन बनाने का कोई भी संभावना नहीं ऐसा लग रहा है। हम एडिलेड से आप तक लाइव पहुंचा रहे हैं, ये एक टेस्ट क्रिकेट है और कितना बढ़िया मजा आ रहा है मैदान के जी। बिल्कुल लवली, मेरे जीवन में ये पहली बार हुआ है, मैंने केवल ये टीवी पे देखा था इस प्रकार की फील्डिंग, लेकिन आज मैं अपने आंखों के सामने देख रहा हूँ जिस प्रकार से सिटी जिम खाना की टीम यहाँ से फील्डिंग की जमावट रख रहे हैं। बहुत ही उमदा गेंदबाजी, और ऐसे में यहाँ आए हुए सभी दर्शक जो इस समय मैदान के अंदर है वो आनंद ले रहे हैं इस चीज का जिस तरह से फील्डिंग की सजावट रखी है। इस बार बढ़िया गेंद पड़ने के बाद अतिरिक्त उछाल मिलती हुई, इस बीच रन बनाने का कोई भी संभावना नहीं। और ये देखिए आनंद कितना ले रहे हैं उनके खिलाड़ी। बहुत बढ़िया ओवर हुआ समाप्त। और महराज मौलवी जो है महनवाज, क्योंकि ये मोहम्मद इरफान से मिले जुलते हैं, अगर आप उनकी जो ऊंचाई है काफ़ी ऊंचाई से उनकी गेंद मिलती है, ऐसे में अतिरिक्त उछाल मिलती है, तो एक ठीक ठाक सी फील्डिंग उन्होंने रखी थी। जी बिल्कुल, और मुझे तो काफ़ी ज़्यादा प्रभावित किया इस गेंदबाजी, और मैं काफ़ी ज़्यादा प्रेरित हुआ हूँ आज इसकी गेंदबाजी देखकर, और जिस प्रकार की गेंदबाजी कर, और ऊपर से कंधे का ये बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हुए ये गेंदबाज, और तभी तो बहुत ज़्यादा सफल हुए अभी तक। गेंदबाजी जो है एक बार फिर से थमा दी गई आबिद नबी के हाथों में। स्कोर इस समय केवल 24 रन एक विकेट के नुकसान पर। पारी का पांचवा ओवर समाप्त हो चुका है, और यही होता है जब आप विकेट गंवाते हैं तो निश्चित रूप से गेंदबाज जो है फिर आपके ऊपर काफी ज्यादा हावी हो सकता और है। आबिद नबी कमेंट्री छोड़ एंड से एक बार फिर गेंदबाज। बहुत बढ़िया शॉट, बुरार का ड्राइव किया, कवर के ऊपर से खेला गया स्ट्रोक, गेंद बाउंड्री के बाहर 4 रनों के लिए। काफी समय के बाद इस तरह का आत्मविश्वास भरा हुआ स्ट्रोक नजर आ रहा बुरान नबी के बल्ले से। इस छोके के साथ स्कोर उछलता हुआ 28 रन एक विकेट के नुकसान पे। ये पारी का छठवां और इस समय आबिद नबी डाल रहे हैं। हम अपने व्यूवर्स का दिल की उम्मीद गहराई से धन्यवाद करते हैं जिस तरह का समर्थन वो हमें करते हैं। मुझे उम्मीद है वो इस लाइव प्रसारण को और भी शेयर करेंगे ताकि और भी ज्यादा व्यूवर्स हमारे साथ जुड़ते नजर आएंगे। आबिद नबी इस बार गेंदबाजी कर रहे थे, एक बेहतरीन शॉट खेला गया युवा वर्षीय खिलाड़ी ने, बुरान नबी ने बेहतरीन शॉट। जी बिल्कुल, इस चौके के साथ आत्मविश्वास जो है वो थोड़ा सा बढ़ जाएगा इस बल्लेबाज को। स्कोर जो है इस समय 28 रन एक विकेट के नुकसान पर 5.1 ओवर की समाप्ति के बाद। आबिद नबी चले एक बार फिर से बड़ा शॉट खेलते हैं इस गेंद को, ऑन ड्राई शॉट लॉन्ग ऑन के क्षेत्र में, वहां पर खिलाड़ी तैनात। दूसरा रन लेना चाह रहे थे बल्लेबाज बुरहान नबी, लेकिन एक ही रन से संतुष्ट रहना पड़ेगा। स्कोर 29 रन एक विकेट के नुकसान पर। ये पारी का छठवां ओवर इस समय आबिद नबी कमेंट्री छोड़ एंड से इस समय गेंदबाजी वो कर रहे हैं। बुरा नबी एक युवा खिलाड़ी हैं, वो ज़्यादा रोकेंगे नहीं अपने बल्लेबाजी को, क्योंकि आप जानते हैं कि जो युवा पीढ़ी होती है खास तौर से अगर आप वादिया कश्मीर की बात करें, अमूमन मेरा भी यही मानना है कि जो एक खिलाड़ी को स्वाभाविक खेल है, जो वो बचपन से खेल खेलते आए हैं, वही खेल खेलने की ज़रूरत अगर आप उसमें इधर उधर करते हैं फिर दबाव में आप चले जाते हैं। आबिद नबी फिर से इस बार बढ़िया गेंद जुबेदार के लिए, बाहर की ओर जा रही थी कोंड बनाती हुई गेंद, छेड़छाड़ करने का प्रयास जरूर किया था। इस बीच रनों में कोई भी इजाफा नहीं होता हुआ ये पारी का छठवां ओवर डाल रहे हैं 29 रन एक विकेट के नुकसान पे। जुबेदार ने अब तक 13 गेंदों का सामना किया, 2 रन बना के वो नाबाद है। बुरान नबी ने 14 गेंदों में 13 रन जरूर बनाए हैं, और इस समय मैदान के अंदर थोड़े कुछ चित्र नजर आ रहे हैं। जुबेदार जो उनके कप्तान है स्लिप कॉर्न में थोड़ी बातचीत नजर आ रही है, और ऐसे में जब इतने बड़े मैचेस होते हैं तो इस तरह की हमेशा
चित्र नजर आ रहे हैं जुबैर डार को, शायद किसी खिलाड़ी ने वहां बातचीत की है, जैसा अमूमन ऑस्ट्रेलियन खिलाड़ी कर रहे थे अंतर्राष्ट्रीय मैचों के अंदर। और इस समय अंपायर उनके पास गए हैं, आबिद नबी भी उनके पास जाके पहुंच चुके हैं, क्योंकि जब इतना बड़ा मैच होता है, इतने ज्यादा दर्शकों के सामने मैच होता, तो इस तरह की नोकझोंक हमेशा मेहनवाज होती है। जी बिल्कुल, स्लाइडिंग तो होती रहती है। और आपकी बार कीपर ने कुछ कहा था जुबैरदार को कि आपको गेंद दिखती नहीं है, और उसी का कारण यह रहा कि जो जुबैरदार है वो थोड़े से गुस्से में हुए। और स्कोर जो है अभी भी 29 रन एक विकेट के नुकसान पर। एक रोमांच भरा मैच है बीसीसी बारामूला बनाम सिटी जिमखाना। सिटी जिमखाना ने 216 रनों का लक्ष्य दिया विपक्षी टीम बीसीसी बारामूला के लिए, और उसका पीछा करते करते इसमें स्कोर जो है 29 रन एक विकेट के नुकसान पर। ऐसे में आबिद नबी उनके कप्तान जो है वो जुबैरदार के पास गए हैं, ये देख के अच्छा लगा, क्योंकि एक महान खिलाड़ी है ये, और इस तरह की चीजें हमेशा नजर नहीं आनी चाहिए। इस बार बढ़िया स्ट्रोक जुबैरदार के बल्ले से, और गेंद को पहुंचाया नजीर टाइगर, उनके पीछे दौड़ रहे हैं। एक बढ़िया फील्डिंग एफर्ट, पूरा बढ़िया था, पूरे मार्क्स हम देना चाहेंगे, लेकिन गेंद बाउंड्री के बाहर चार रनों के लिए जुबैरदार के बल्ले से ये पहला चौका निकलता हुआ। और ऐसे में अब मजा आएगा इस बल्लेबाजी को देखने का, क्योंकि जो इस बीच थोड़ी सी बातचीत हुई जुबैरदार के साथ, तो अब गुस्से में वो इस तरह के स्ट्रोक जरूर खेलते नजर आ रहे हैं। स्कोरी ने चार रनों के साथ 33 रन एक विकेट के नुकसान पर 5.4 ओवरों की समाप्ति के बाद, और इस चौके के साथ जुबैरदार का आत्मविश्वास थोड़ा सा बढ़ जाएगा। 14 गेंदों पे 6 रन बनाए इस बल्लेबाज ने, और यहां पर एक साझेदारी की दरकार है वो अब दिखती नजर आ रही है इन बल्लेबाज के बीच में। आबिद नबी चले एक बार फिर से, बढ़िया गेंद ऑन साइड की तरफ, इस गेंद को मोड़ दिया है डीप सुकैले के क्षेत्र में, वहां पर खिलाड़ी तैनात, और जब तक थ्रो आए तब तक बल्लेबाज ने 2 रन मुकम्मल किया। अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट, तालमेल बहुत बढ़िया इन बल्लेबाज के बीच में। और अभी अभी जैसा हम बातचीत कर रहे थे कि जुबैरदार के साथ वहां बातचीत की गई है, ऐसे में यहाँ माहौल जो है ना वो पूरी तरह से गर्म हो चुका है, लेकिन आबिद नबी और नजीर टाइगर के चेहरे पे हंसी काफी कुछ बयान कर रही है, लेकिन माहौल इस समय तनावपूर्ण है मैदान के अंदर, और यही तो हम देखना चाहते हैं, यही तो व्यूअर्स भी देखना चाहते हैं। भले ही हार जीत तो इस खेल का हिस्सा है, जब से इंग्लैंड के में इस खेल का जन्म हुआ है हार जीत तो होती रहती है, लेकिन जब मैदान के अंदर वो लड़ाई नजर आती है दो टीमों के बीच, वो देख के मजा आता है। ये पारी का छठवां ओवर, आबिद नबी आखिरी बार अब अगली गेंद करने के लिए तैयार, कमेंट्री छोड़ एंड से ओवर द विकेट जुबैरदार के लिए। इस बार शॉर्ट गेंद गाइड किया जुबैर ने थर्ड मैन की ओर, वहां आमिर मोगा गली क्षेत्र के अंदर मौजूद है, उन्होंने सरलता के साथ गेंद को उठाया, रन बनाने का इस बीच कोई संभावना नहीं। इसी के साथ ओवर की समाप्ति, 6 ओवर की समाप्ति के बाद 35 रन एक विकेट के नुकसान पर बीसीसी बारामूला। 6 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर 35 रन एक विकेट के नुकसान पर। अभी भी 144 गेंदों पर 181 रनों की दरकार है मैच जीतने के लिए बीसीसी बारामूला को, और न केवल मैच बल्कि सुपर कप को अपने नाम करने में अभी भी 181 रनों की दरकार है। और जुबैरदार और बुरहान नबी जो है वो इस समय बल्लेबाजी कर रहे हैं अपनी टीम के लिए। और अब जो सूरत हाल नजर आ रहा है, जुबैरदार को विकेट कीपर के साथ कुछ तनाव हुआ था, अभी भी हालांकि वो तनाव मैदान के अंदर मौजूद है, और ये हमेशा होता रहता है, आप खुद भी जानते हैं, जितने भी व्यूअर्स इस समय हमारे साथ जुड़ते हैं वो हमेशा क्रिकेट को देखते हैं, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट पे वो खासा ध्यान देते हैं हमारे व्यूअर्स, तो उसमें भी इस तरह की चीज़ें होती रहती है, लेकिन माहौल अभी भी तनावपूर्ण है मेहनवाज मैदान के अंदर। जी बिल्कुल, अभी भी तनाव जारी है। बुरहान नबी और जुबैरदार इस समय बल्लेबाजी कर रहे हैं बीसीसी बारामूला के लिए, और इश्तियाक नाग जो है वो पवेलियन के ओवर लौट चुके, उन्होंने 7 गेंदों पर 10 रनों का योगदान दिया अपनी टीम के लिए। मेहराज मौलवी ने आज बहुत बड़ी गेंदबाजी करी, बहुत ही अच्छी गेंदबाजी, 3 ओवर्स में 16 रन देके एक विकेट प्राप्त किया, और अब तक भी उन्होंने गेंदबाजी में मेहनवाज बदलाव नहीं किया है। 6 ओवर की समाप्ति के बाद 35 रन एक विकेट के नुकसान पर आउट होने वाले खिलाड़ी इश्नाक जो आउट होकर अब डगआउट में इस मैच का आनंद ले रहे हैं। जुबैरदार 16 गेंदों में 8 रन बना के नाबाद हैं। बुरहान नबी जो इस समय स्ट्राइक पे हैं, सबसे युवा वर्षीय खिलाड़ी अगर आप बीसीसी बारामूला की बात करें, उन्होंने 14 गेंदों में
13 रन बनाए हैं। 6 ओवर की समाप्ति के बाद 35 रन एक विकेट के नुकसान पर बीसीसी बारामूला स्लिप कॉर्न में 5 खिलाड़ी नजर आ रहे हैं। एक विचलित फील्डिंग उन्होंने जरूर रखी है और अगर एक गेंदबाज के तौर पे आप हल्का सा भी दिशा से भटकते हैं ना तो पटके खाएंगे आप बुरान के बल्ले से। बिल्कुल महराज मौलवी चले ओवर द विकेट राइट हैंड बल्लेबाज के लिए। बढ़िया गेंद एक बार फिर से शरीर से दूर रखा गेंद लेकिन आउट सबसे काफी उंधी और अंपायर का इशारा वाइड गेंद और एक अतिरिक्त रन जुड़ता हुआ यहां पर बीसीसी बारामूला के खाते में। और महराज मौलवी की एक अच्छी रणनीति रही है कि वो लगातार गेंद को जो है काफी दूर रख रहे हैं बल्लेबाज से। और तभी तो हम कहते हैं ना कि अगर आपको विकेट निकालनी है ना तो फील्डरों से ही गेंदबाजी करानी होगी, उनकी ओर से ही आपको गेंदबाजी करनी होगी, यानी कि फील्ड अनुसार आपको गेंदबाजी करनी होगी, तब जाके आप सफल होते हैं इस क्रिकेट के अंदर। और अब फील्ड में एक और परिवर्तन किया जा रहा है, डीप पॉइंट जो है उसको 30 गज दायरे के अंदर थोड़ा सा वाइडिश रखा गया है, थर्ड मैन भी 30 गज दायरे के बाहर है। इस बार बढ़िया स्ट्रोक कलाइव के उपयोग से बुरान ने और गेंद बाउंड्री के बाहर 4 रनों के लिए बुरान के बल्ले से एक और खूबसूरत स्ट्रोक निकलता हुआ। जी बिल्कुल एक बहुत बड़ा सुंदर शॉट और इस प्रकार की गेंदबाजी की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। देखिए जब आपने फील्डिंग को जो है ऑफसाइड पर रखा है तो फिर आप शरीर में गेंदबाजी नहीं कर सकते और उसी का लाभ उठाया यहाँ पर बुरान नबी ने। सिकोरी ने 4 रनों के साथ 40 रन बोर्ड पे लग चुके हैं और एक विकेट गवा दिया है बीसीसी बारामूला। और हवा में खेला गया स्ट्रोक जान बूझ के, जानते हैं वहां पे कोई भी फील्डर तैनात नहीं है। इस बार बढ़िया वापसी महराज मौलवी की, झट में फेंकी गई गेंद सम्मान दिया इस बार बुरान नबी ने। इस बीच रनों में कोई भी इजाफा नहीं होता हुआ महराज मौलवी अब बॉलिंग छोड़ के ओर से फिर से जा रहे हैं जो कॉलेज एंड से ओवर द विकेट गेंदबाजी कर रहे हैं बुरान नबी। हालांकि एक युवा, जैसा मैं बार बार यही जिक्र कर रहा हूँ कि युवा खिलाड़ी हैं। लवली एक विचलित फैसला है, ऑन साइड पर कोई भी खिलाड़ी तैनात नहीं है तो देखिए अगर आप बल्लेबाज अच्छी तरह से है तो ऑफ साइड की गेंद को भी ऑन साइड पर मोड़ें क्योंकि ऑन साइड पर जो है कोई भी खिलाड़ी तैनात नहीं है, ना मिड ऑन पर और ना फाइन लेग पर। एक बार फिर से आप बढ़िया शॉट खेला था लेकिन उतनी अच्छी फील्डिंग स्लिप कार्डन को पूरी तरह से बांध के रखा है सिटी जिमखाना के खिलाड़ियों ने। इस बार आमिर मोंगा वहां मौजूद थे और उन्होंने अपने दाहिनी की ओर ड्राइव लगाकर इस गेंद को रोका। इस बीच रनों में कोई भी इजाफा नहीं होता हुआ ये पारी का 7वां ओवर 40 रन एक विकेट के नुकसान पर आउट होने वाले खिलाड़ी इशनाग, जिन्होंने कुछ दर्शनीय स्ट्रोक जरूर खेले थे, एक छक्का एक चौका उन्होंने पहले ओवर में लगाया था, उसके बाद उसको आउट किया गया महराज मौलवी के द्वारा। स्लिप कॉर्नर में कैच वहां लपका गया और अभी भी मैदान के अंदर थोड़ा सा दुविधा नजर आ रही है। नजीर टाइगर इस समय अंपायर के साथ कुछ बातचीत कर रहे हैं और ऑफिशियल अंपायर जो हैं आज काफ़ी व्यस्त नजर आ रहे हैं। एक हाई वोल्टेज मुकाबला जब मैदान के अंदर खेला जाता है ना महनवाज, तो इस तरह की दिक्कतें हमेशा नजर आते हैं। जैसे भारत पाकिस्तान का मैच होता है, तनावपूर्ण स्थिति वहां मैदान में होती है, उसी तरह का ये भी मैच हो रहा है। जी बिल्कुल एक बहुत बड़ा मुकाबला है और मुकाबला दोनों टीमों के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। देखिए ये प्रतियोगिता का इस समय डिसीजन हो रहा है, फाइनल खेला जा रहा है। बहुत ही बड़ा शॉट, क्लास दिखाई बुरहान नबी ने और जड एक करारा चौका, बहुत ही बड़ा सुंदर शॉट और इस चौके के साथ इस युवा वर्षीय खिलाड़ी का आत्मविश्वास बढ़ जाएगा। सिकोर इन 4 रन के साथ 44 रन एक विकेट के नुकसान पर और महराज मौलवी के विरुद्ध शॉट लगाया और आसान नहीं रहेगा। और कहते हैं ना कि उड़ान पंखों से नहीं, उड़ान हौसलों से भरी जाती है और ये इस समय बुरान नबी दिखा रहे हैं। कहते हैं ना कि बड़े मियां तो बड़े मियां, छोटे मियां तो सुभान अल्लाह, वही इस समय बुरान नबी खेल रहे हैं। इस बार बढ़िया गेंद और इस बार स्लिप कॉर्न के ऊपर गेंद, वहां कैच लेने का प्रयास जरूर किया था लेकिन गेंद उनके हाथों से छिटकती नजर आ रही है। गेंद बाउंड्री के बाहर 4 रनों के लिए, एक मौका वहां उत्पन्न हुआ था, हालांकि स्लिप कॉर्न के बिल्कुल नजदीक गेंद गई थी, एक कैच होना चाहिए लेकिन इस बार कैच लेने में सफल नहीं हुए ये खिलाड़ी। बिल्कुल काफी तेजी से गेंद गई है स्लिप कॉर्न पर और स्लिप कॉर्न पर उसी खिलाड़ी को तैनात किया जाता है जिसकी नजरें काफी ज्यादा तेज हो और यहां पर एक मौका जरूर बनाया था महराज मौलवी ने लेकिन लपकने में असफल रहे और एक चौका मिलता हुआ यहां पर बीसीसी बारामूला को। सिकोर इन 4 रन के साथ 48 रन एक विकेट के नुकसान पर। महराज मौलवी ने तो अपना काम बखूबी किया था, इस बार झट में गेंद यॉर्कर करने का प्रयास किया था, गेंद गई मिड ऑफ के ऊपर जहां उनके कप्तान आबिद नबी मौजूद हैं। इस बीच रनों में कोई भी इजाफा नहीं होता हुआ
ओवर की समाप्ति 48 रन एक विकेट के नुकसान पे, 7 ओवर की समाप्ति के बाद 216 रन मैच जीतने के लिए बनाने होंगे बीसीसी 12 मुल्क। और अभी भी 168 रनों की दरकार है 138 गेंदों पर, और जो रिकॉर्ड रन रेट है वो तो उससे थोड़ा सा इजाफा देखने को मिल रहा है, 7.30 के औसत से इस समय रिकॉर्ड रन रेट रहेगी। जी हाँ, फैसल लिख रहे हैं कि ये बुरान खिलाड़ी कहाँ से है, जितना मुझे जानकारी है शीर बारामूला से ये खिलाड़ी उनके साथ बीसीसी बारामूला के साथ खेल रहे हैं। तजमुल बट लिख रहे हैं वाई आर मेकिंग पेज ऑफ योर जस्ट सेइंग इश्नाग, और कोई प्लेयर जहाँ तजमुल बट इस समय अपनी प्रतिक्रिया हमारे साथ साझा जरूर कर सकते हैं, कर रहे हैं। 7 ओवर की समाप्ति के बाद 48 रन एक विकेट के नुकसान पे और आउट होने वाले खिलाड़ी इश्नाक जो आउट होकर वापस जा चुके हैं। आबिद नबी अपने कोटे का 4th ओवर, इस पारी का 8th ओवर बिल्कुल कमेंट्री छोड़ एंड से वो गेंदबाजी करेंगे। सामने हैं बुरान नबी जिन्होंने 20 गेंदों में 25 रन बनाए हैं, 5 चौके उनकी पारी में मौजूद हैं उनका साथ देते हुए। कप्तान जिन्होंने 16 गेंदों में 8 रन बनाए हैं जुबैर डार ने, आबिद नबी कमेंट्री छोड़ एंड से और द विकेट इस बार लेग स्टंप से काफ़ी बाहर पड़ने के बाद और ज़्यादा बाहर, निश्चित तौर पर वाइड का इशारा होना चाहिए इस एक रन के साथ 49 रन बॉर्ड के ऊपर। पारी का ये 8th ओवर इस समय चल रहा है और जो पावर प्ले का अंतिम ओवर रहेगा मेरे ख्याल से, तो स्कोर 49 रन एक विकेट के नुकसान पर। जुबैर डार इस समय बल्लेबाजी कर रहे हैं और उसका नॉन स्ट्राइकिंग एंड पर बुरहान नबी, आबिद नबी चले एक बार फिर से, बढ़िया गेंद शरीर के आसपास की थी, हल्के हाथ से गेंद को केवल गाइड किया है फाइन लेग के क्षेत्र में, और जब तक थ्रो आए तब तक बल्लेबाज ने एक रन मुकम्मल किया। अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट और जुबैर डार जो है वो पूरी तरह से डटे हुए क्रीज के ऊपर, और उससे यही प्रतीत हो रहा है कि वो चाहते हैं कि एक अच्छा पार्टनरशिप यहां पर क्रिएट करें, और अभी तक अच्छी साझेदारी बनाई है 37 गेंदों पर 38 रनों की साझेदारी आती हुई इन दो बल्लेबाजों के बीच में। बिल्कुल सही कहा आपने, जल्दबाजी करने की जरूरत नहीं है, ये फॉर्मेट 30-30 ओवर का है, ऐसे में आप अपना समय बिता सकते हैं मैदान के अंदर। इस बार आबिद नबी की ये गेंद थी बुरान के बिल्कुल काफी ऊपर लगी थी ये गेंद, उस कारण से उन्होंने इस बार कोई अपील नहीं की, लेकिन रनों में इस बीच कोई इजाफा नहीं होता हुआ आबिद नबी अपने बॉलिंग मार्क पे फिर से आ रहे हैं जो बिल्कुल कमेंट्री छोड़ एंड से इस समय गेंदबाजी कर रहे हैं। ये पारी का 8th ओवर 50 रन एक विकेट के नुकसान पर अब बुरान नबी इस बार आगे आए थे चहलकदमी करके, लेकिन इस बार ज्यादा मालूम नहीं था, डॉट गेंद ये जरूर हुए हैं। अब गेंद जो है विकेट कीपर के दस्तानों में गई है जो अपने खिलाड़ियों को लगातार उत्साहित कर रहे हैं, ये देख के अच्छा लगा क्योंकि ये फॉर्मेट ऐसा है, ये खेल ऐसा है, इसलिए इसको टीम खेल कहा जाता है, हर तरह से आप अपनी भागीदारी दे सकते हैं। जी बिल्कुल, एक अच्छी सोच अपना रहे यहाँ पर सिटी जिमखाना के खिलाड़ी और उसमें काफी ज्यादा सक्षम भी हुए हैं अभी तक। गेंदबाज आबिद नबी चले एक बार फिर से ओवर द विकेट, बहुत बड़ा शॉट खेलने का प्रयास जरूर किया था बल्लेबाज ने, लेकिन सफल नहीं हुए। स्कोर जो है अभी भी 50 रन एक विकेट के नुकसान पर 7.4 ओवर की समाप्ति के बाद, और अभी भी जो है 166 रनों की दरकार है 134 गेंदों पर मैच जीतने के लिए बीसीसीआई 12 मुल्क। और अब बुरहान नबी और जुबैर डार पूरी तरह से डटे हुए हैं क्रीज के ऊपर, अब नजरें जो है वो जमी नजर आ रही है। गेंदबाज चले एक बार फिर से ओवर द विकेट, शॉर्ट पिच गेंद पुल कर दिया इस गेंद को और बड़ा छक्का, गेंद इस स्लॉट में पार्क हुई पार्किंग लॉट में, अब तक का यह बड़ा छक्का इस पारी का 120 मीटर लंबा छक्का बुरहान नबी के बल्ले से, और इस बार ये शॉट गेंद थी। बुरहान नबी तो बैक फुट पे तैयार थे, बहुत बढ़िया पुल शॉट खेला गया और गेंद गई स्टेडियम से बाहर, अब तक का सबसे बड़ा छक्का, ये तो छक्का नहीं इसको तो थप्पड़ कह सकते हैं, लाजवाब स्ट्रोक। जी बिल्कुल, इस छक्के पर 6-7-8 नहीं 10 रन लिखिए, इतना बड़ा छक्का जड़ दिया है बुरहान नबी, और स्कोर इन 6 रनों के साथ
56 रन बोर्ड पे लग चुके हैं एक विकेट के नुकसान पर। छोटा पटाखा बड़ा धमाका बुरा नबी एक बार फिर सामने बढ़िया स्ट्रोक कट किया। थर्ड मैन के ऊपर गेंद दो टप्पर के बाद गेंद बाउंड्री के बाहर एक और चौका। बढ़िया लाजवाब स्ट्रोक जानबूझ के खेला गया और रन गति में बढ़िया तरीके से इजाफा होता हुआ। इसी के साथ ओवर की समाप्ति 60 रन एक विकेट के नुकसान पे 8 ओवर की समाप्ति के बाद। जी बिल्कुल, और काफी ज्यादा प्रेरित किया आज बुरहान नबी ने और जिस प्रकार का शॉट लगाया आबिद नबी के विरुद्ध शॉर्ट पिच गेंद पर काफी ज्यादा पुल, काफी ज्यादा अच्छा शॉट और जगह बनाई वो हम पर शॉट के लिए और स्क्वायर लेग के ऊपर से एक बड़ा छक्का जड़ दिया और उसके बाद अगले गेंद पर और एक चौका। 8 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर 60 रन एक विकेट के नुकसान पर। अभी भी 132 गेंदों पर 156 रनों की दरकार है मैच जीतने के लिए और गेम जो है वो अब पूरी तरह से ऑन है। और जो पिछली गेंद पे छक्का जड़ा था ना बुरहान नबी ने, उसे आत्मविश्वास जरूर जगमगाया होगा, सातवें आसमान पे होगा। उसकी वो शॉट की जो गूंज है ना आबिद नबी के कानों तक, अब तक वो बिल्कुल सुनाई दे रही थी। बहुत ही आत्मविश्वास से भरा हुआ स्ट्रोक था और उस स्ट्रोक के बाद जो फील्डिंग है उसको अब पूरी तरह से फैलाया जा रहा है। अब जो स्लिप कॉर्नर में 5 खिलाड़ी नजर आ रहे थे उसको अब बिल्कुल अपनी निर्धारित जगह पे रखा जाता है। मेहनवाज, यही तो होता है ना क्रिकेट में, जब आप अपनी मानसिकता दिखाते हैं ना मैदान के अंदर तो तब जाके गेंदबाज जो है वो अलग तरह से प्रयास करने लगता है। देखिए अब फील्ड जो है अब पारंपरिक तौर पे जिस तरह से अमूमन हम फील्ड देखते हैं वही फील्डिंग उन्होंने ऑब्जर्व रखी है। जी बिल्कुल, अब गेंदबाजी में परिवर्तन देखने को मिला। गौहर लैगी को यहां पर आक्रमण करने के लिए लाया है कैप्टन आबिद नबी ने और स्लिप कॉर्नर पर 2 खिलाड़ियों को तैनात किया गया है। एक बैकवर्ड पॉइंट पर स्ट्रेटेजिक पॉइंट कवर मिड ऑफ लॉन्ग ऑन और डीप मिड विकेट शॉट ऑफ स्क्वायर लेग पर एक खिलाड़ी तैनात है। अब तक आउट होने वाले खिलाड़ी केवल एक ही है, इश्नाग आउट होकर वापस जा चुके हैं। ये तो इसको गौहर लैगी बोला जाता है लेकिन मेरे विचार में तो ये जादूगर हैं गौहर लैगी। इस बार बढ़िया गेंद, फ्लाइटेड गेंद, गेंद को धकेला ऑन साइड की ओर, लॉन्ग ऑन का खिलाड़ी वहां मौजूद है। तब तक आसानी के साथ एक रन दौड़कर पूरा किया। इस एक रन के साथ 61 रन, ये पारी का 9वां ओवर इस समय गौहर लैगी कॉलेज एंड से डाल रहे हैं। जैसा मैं महनाज बातचीत कर रहा था, इसको किसने रहा नाम रखा गौहर लैगी, इसको तो जादूगर का नाम होना चाहिए। जी बिल्कुल, जिस प्रकार के ये गेंदबाज है उच्ची कोटि के गेंदबाज है और यहाँ पर एक विकेट की दरकार है सिटी जिम खाना को, जिसकी दरकार है उसी प्रकार से इसीलिए इस गेंदबाज को लाया गया है यहाँ पर आबिद नबी के द्वारा। चले एक बार फिर से भजिया गेंद, जाने दिया कीपर के दस्तानों में। वहां पर बुरहान नबी ने बिल्कुल भी छेड़छाड़ करने का प्रयास नहीं किया और बुरहान नबी जो है 35 रन बना के खेल रहे और 26 गेंदों का सामना किया जिसमें उन्होंने 6 चौके और एक बड़ा शॉट लगा दिया। एक बार फिर से बड़ा शॉट इनसाइड आउट खेला गया पॉइंट के ऊपर से एक टप्पे के बाद गेंद बाउंड्री के बाहर 4 रन के लिए और बुरहान नबी अब पूरी तरह से छाए हुए नजर आ रहे हैं इस मैच में। बहुत बड़ा मुकाबला इस समय चल रहा है बीसीसी बारामूला बनाम सिटी जिमखाना और इन 4 रनों के साथ स्कोर उछलता हुआ 65 रन। और गौहर लैगी के सामने अगर आप इतना बढ़िया स्ट्रोक खेलते हैं तो ये आपकी काबिलियत दर्शाता है। इस बार लाजवाब स्ट्रोक बुरहान नबी के बल्ले से जानबूझ के कवर के ऊपर से, इस बार फिर से लाजवाब स्ट्रोक स्लॉग स्वीप, लेकिन इस बार खिलाड़ी मौजूद और कोई गलती नहीं, मेरा आज मौलवी वहां मौजूद है। गौहर लैगी ने उस विकेट का पतन किया जिसके लिए उनको जाना जाता है। बुरहान नबी ने स्लॉग स्वीप जरूर किया था, हालांकि अच्छा खासा स्ट्रोक था, शायद गेंद बल्ले के ऊपरी भाग पे लगी थी, गेंद हवा में थी, वहां डीप स्क्वायर लेग पे महराज मौलवी मौजूद थे। वो इस तरह की गलतियां नहीं करते हैं। ये दूसरी विकेट का पतन लगता हुआ बीसीसी बारामूला को। जी अच्छी सोच अपनाई वहां पर गौहर लैगी ने और इससे पहले एक गेंद पर चौका खाया था लेकिन फिर वही गेंद फेंकी और आपकी बार थोड़ी सी शरीर के आसपास स्लॉग स्वीप करने का प्रयास जरूर किया था बुरहान नबी ने लेकिन डीप मिड विकेट पर पकड़े गए और इसके साथ दूसरे विकेट का पतन उड़ता हुआ यहां पर बीसीसी बारामूला को 65 के स्कोर पर, जिसकी दरकार थी यहां पर सिटी जिम खाना को वो लाके दिया अपनी टीम को यहां पर गौहर लैगी ने। बहुत ही अच्छी गेंदबाजी और अच्छी स्थिति में अपनी टीम को विकेट लाके दिया। अब जो नए बल्लेबाज है पी राकिब अब आए हैं नए बल्लेबाज बुरहान नबी के स्थान पर बल्लेबाजी करने और सामना करना होगा गेंदबाज गौहर लैगी का।
और गौहर लैगी को जिसके लिए उन्होंने लाया था महनवाज, उन्होंने अपना काम जरूर किया है। और किस खिलाड़ी को उन्होंने आउट किया है, बुरान नबी जो एक बढ़िया लय में नजर आ रहे थे, उन्होंने उसको आउट करके डग आउट का रास्ता जरूर दिखाया। उनके आउट होने के बाद अब नए खिलाड़ी मैदान के अंदर आए हैं, पीर आकिब। आज उन्होंने तो गेंदबाजी से कमाल जरूर किया था, तो अब बारी है बल्लेबाजी से कुछ कमाल दिखाने का। जहांगीर लोन अभी तक नहीं आए हैं मैदान के अंदर, शायद पैड करके हैं वो, जैसा हम उनकी डग आउट की ओर देख रहे हैं। गौहर लैगी अब कॉलेज एंड से और दो विकेट आ रहे हैं आकिब पीर के लिए, इस समय सामना कर रहे हैं गौहर लैगी और दो विकेट आ रहे हैं कॉलेज एंड से। इस बार बढ़िया गेंद, गेंद को निकाला, लॉन्ग ऑन की ओर वहां खिलाड़ी मौजूद हैं। बड़ी आसानी के साथ उन्होंने दौड़कर एक रन पूरा किया, इस एक रन के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 66 रन दो विकेट के नुकसान पे। ये पारी का 9वां ओवर इस समय गौहर लैगी कर रहे हैं, हालांकि उनको जीतने के लिए 216 रन चाहिए मैच जीतने के लिए, जो उनका लक्ष्य मिला है। 66 रन अब तक उन्होंने बनाए हैं 127 गेंदों में, 150 रन जीतने के लिए करने होंगे। अंतिम गेंद, डॉट गेंद, रनों में कोई भी इजाफा नहीं होता हुआ, इसी के साथ ओवर की समाप्ति। 9 ओवर की समाप्ति के बाद 66 रन दो विकेट के नुकसान पे बीसीसीआई बारामूला की टीम। एक अच्छा सफल ओवर हुआ यहाँ पर समाप्त सिटी जिम खाना के, जिस कोण से अगर हम बात करेंगे, गौहर लैगी ने एक महत्वपूर्ण ओवर डाला, 6 रन देके एक सफलता अर्जित की और बहुत ही अच्छी गेंदबाजी और जिसकी यहाँ पर दरकार थी वो लाके दिया अपनी टीम को 66 के स्कोर पर। दूसरा विकेट गवा दिया बीसीसीआई बारामूला ने 9 ओवरों की समाप्ति के बाद। अभी भी जो है 126 गेंदों पर 150 रनों की दरकार है मैच जीतने के लिए और अभी भी मैच जो है पूरी तरह से बचा हुआ है, अब कुछ कहा नहीं जा सकता। क्रिकेट जो है अनिश्चितताओं का खेल है, कब किसके पाले में जा सकता है ये कुछ कहा नहीं जा सकता। आप हमारे साथ जुड़ते रहिए कश्मीर सपोर्ट्स वॉच पर। और इस समय जो जोड़ी मैदान के अंदर है, जुबैर डार जो उनके कप्तान हैं, अभी अभी बुरान नबी के आउट होने के बाद अब मैदान में पीर आकिब आए हैं। जुबैर डार ने अब तक 19 गेंदों में 9 रन बनाए हैं और पीर आकिब ने एक गेंदों में 1 रन का अब तक योगदान दिया है। दूसरे छोर से भी अब गेंदबाजी में परिवर्तन किया जा रहा है, नजीर टाइगर को गेंदबाजी की कमान दी गई है, यानी कि दोनों छोर से अब महनवाज स्पिन आक्रमण लगाया गया है। इस बार बढ़िया गेंद, फ्लाइटेड गेंद, गेंद को धकेला था ऑन साइड की ओर, शॉर्ट मिड विकेट पे आमिर मोंगा मौजूद है, उन्होंने गेंद को सरलता के साथ उठाया, इस बीच रनों में कोई भी इजाफा नहीं होता हुआ। ये पारी का 10वां ओवर, नजीर टाइगर इस बार फ्लाइटेड गेंद, सम्मान दिया, गेंद को खेला शॉर्ट कवर की ओर, वहां निसार मौजूद है, इस बीच भी कोई रनों का इजाफा नहीं होता हुआ। नजीर टाइगर लगातार फ्लाइट कर रहे हैं, ललचा रहे हैं आकिब पीर को कि बड़ा स्ट्रोक खेले, इस बार ज्यादा मालूम नहीं था, पढ़ने के बाद तेजी के साथ अंदर की ओर आई थी चारों खाने चित। बिल्कुल बहुत ही अच्छी गेंदबाजी नजीर टाइगर के और दोनों छोर से स्पिन आक्रमण को यहां पर इस्तेमाल किया गया है आबिद नबी की ओर से और यह अच्छी सोच रहेगी क्योंकि मैदान काफी ज्यादा बड़ा है तो स्पिनर्स के विरुद्ध बड़े शॉट्स खेलना आसान नहीं रहेगा। यहां पर हालांकि काल थी, अंत में नकारा वहां पर पीर आकिब ने और सुरक्षित क्रीज में दोनों बल्लेबाज, अच्छी कॉल। और अभी तक लगातार 4 बिंदी गिने आती हुई नजीर टाइगर के ओर से और प्रभाव जो है वो लगातार बीसीसीआई बारामूला के ऊपर बढ़ता नजर आ रहा है। ऑफसाइड में दो खिलाड़ी कैचिंग पोजीशन पे, लॉन्ग ऑफ और डीप पॉइंट पे। इस बार बढ़िया गेंद, बाहरी किनारा, वहां खिलाड़ी मौजूद नहीं, गेंद बाउंड्री के बाहर 4 रनों के लिए, थर्ड मैन का खिलाड़ी 30 गज दायरे के अंदर था और इस बीच रनों में इजाफा होता हुआ 7 रन दो विकेट के नुकसान पे। ये पारी का 11वां ओवर इस समय, 10वां ओवर इस समय चल रहा है। आकिब पीर के बल्ले से ये पहला चौका निकलता हुआ, हालांकि इस बार वो तो नियंत्रण में बिल्कुल भी नहीं थे। एक बार फिर से अच्छी गेंद, सम्मान दिया, गेंद को खेला शॉर्ट कवर की ओर, आंखों आंखों में इशारा और एक रन के लिए दौड़ पड़े। ये जो लाइव प्रसारण है उसमें हमारा सहयोग कर रहे हैं, हमारे साथ सहायता कर रहे हैं गनी ऑटो व्हील्स, जो एक वर्कशॉप है, गाड़ियों की हर एक सुविधा वहाँ उपलब्ध है और ऐसे में आप वहाँ जरूर जाएं, डेंटिंग से लेके पेंटिंग तक सर्विस की भी वहाँ सुविधा रखी गई है, ऐसे में वहाँ
आप जरूर जाइए, उसके साथ साथ हमारे साथ सहयोग कर रहे हैं खान इंटरनेशनल सपोर्ट्स, जो इक्विपमेंट के लिहाज से काफी ज्यादा ऊपरी क्रम पे है, तो उसके बल्ले का आप जरूर उपयोग करें और आप देखिए फिर आप विश्वास करें। और जी बिल्कुल सही कहा आपने कि उसका जो ब्रांड है अब अंतरराष्ट्रीय तक वो पहुंच रहा है, यानी कि अंतरराष्ट्रीय खिलाड़ी किस बैट का आप उपयोग कर रहे हैं, तो ऐसे में आप ये खुद जानते हैं कि वो किस तरह के इक्विपमेंट बनाते हैं। दूसरे छोर से गौहर लैगी अपने पारी का दूसरा ओवर, अपने कोटे का दूसरा ओवर, इस पारी का गहरवा ओवर इस समय कर रहे हैं। 10 ओवर की समाप्ति के बाद 71 रन 2 विकेट के नुकसान पे आकिब पीर अब गौहर लैगी का सामना करें। इस बार फ्लाइटेड गेंद, कलाव के उपयोग से गेंद को निकाला डीप मिड विकेट की ओर, वहां मेहराज मौलवी मौजूद है, उन्होंने गेंद को उठाया, तब जाकर एक रन से संतुष्ट करना पड़ेगा दोनों बल्लेबाजों को। जी बिल्कुल, यहाँ से अब धीरे धीरे जो है मैच को डीप पर लेके जाना है ना बल्लेबाज को, क्योंकि उसके बाद जो है जहांगीर लोन का आना बाकी हो तो फिर आप अंत में अच्छा फिनिश कर सकते हैं। चलो एक बार फिर से बढ़िया गेंद, अंदरूनी किनारा लगा इसा गेंद पर, लेट कट करना चाह रहे थे बल्लेबाज जुबैरदार, लेकिन संपर्क बिल्कुल भी देखने को मिला और अभी तक जो है पूरी तरह से बांध के रखा है गेंदबाजों ने इन बल्लेबाजों को। एक बार फिर से बढ़िया शॉट खेल दिया, ऑन ड्राइव शॉट लॉन्ग ऑन के क्षेत्र में, वहां पर खिलाड़ी तैनात, एक रन से संतुष्ट रहना पड़ेगा बल्लेबाज जुबैरदार को। और जुबैरदार ने है अभी तक 20 गेंदों का सामना किया और 9 रन अभी तक बनाए हैं और मैदान चारों ओर दर्शकों से खचाखच भरा हुआ है, क्योंकि उन्हें वो जाए इस बार स्लिप कॉर्नर की ओर ये गेंद जरूर गई थी जहां उनके कप्तान आबिद नबी मौजूद थे, हालांकि कैच होने की भी वहां संभावना थी, इसीलिए अपने हाथ पे लगातार हाथ रहे, अपने सर के पीछे लगातार हाथ फैला रहे, यानी कि पछतावा हो रहा है आबिद नबी का, कहीं ना कहीं उनको ये एहसास हो रहा है कि शायद मैं इस कैच का लपक भी सकता था। ये पारी का गहरवा ओवर 74 रन 2 विकेटों के नुकसान पे इस बार चहलकदमी करके आकिब पीर ने, जुबैरदार ने इस गेंद को निकाला लॉन्ग ऑफ की ओर, वहां खिलाड़ी मौजूद हैं, बड़ी आसानी के साथ एक रन दौड़कर उन्होंने पूरा जरूर किया है। इस बीच रनों में इजाफा होता हुआ 75 रन 2 विकेटों के नुकसान पे ये गहरवा ओवर की आखिरी गेंद गौहर लैगी, इस बार बढ़िया गेंद, जेड में गेंद समा दिया, बैकफुट पे जाकर गेंद को शॉर्ट कवर पे खेला, इस बीच रनों में कोई भी इजाफा नहीं होता हुआ गहरा ओवर हुए समाप्त 75 रन 2 विकेट के नुकसान पर। गहरा ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर 75 रन 2 विकेट के नुकसान पर, अभी भी 114 गेंदों पर 141 रनों की दरकार है मैच जीतने के लिए, और बचपन का प्यार हमारे साथ एक बार फिर से जुड़ते नजर आ रहे हैं। आज एक विचलित नाम रखे जाते हैं सोशल मीडिया पर, तो हम आप सभी व्यूवर्स के लिए बहुत ज्यादा आभारी है, आप लगातार हमारे साथ जुड़ते रहिए कश्मीर सपोर्ट्स वाच पर। जी हां, मैं लवली उमर और महनवाज हम इस लाइव का आनंद ले रहे हैं और कुछ विचलित नाम हमारे स्क्रीन के सामने आ रहा था। जी हां, बचपन का प्यार, बहुत अच्छा लगा ये सुन के, और हम थक भी बहुत जाते हैं लेकिन जब इस तरह के नाम हम पढ़ते हैं तो थकावट सारी दूर हो जाती है। और गहरा ओवर की समाप्ति के बाद 75 रन 2 विकेट के नुकसान पे नजीर टाइगर कमेंट्री एंड से अब गेंदबाजी कर रहे हैं, जहां कश्मीर सपोर्ट्स वॉच के माध्यम से आप इस लाइव प्रसारण का आनंद ले रहे हैं। बिल्कुल उसी छोर से इस समय नजीर टाइगर गेंदबाजी कर रहे हैं और 2 विकेट, उनके सामने आकिब पीर है, हालांकि आकिब पीर ने तो गेंदबाजी से कमाल जरूर किया था महनवाज, लेकिन अब देखना होगा कि बल्लेबाजी से वो किस तरह का प्रदर्शन कर पाएंगे। इतने दर्शकों के सामने जब आप खेलते हैं ना तो आप एक हीरो के तौर पे उभर के आ रहे हैं, लेकिन जहांगीर लोन इंतजार अभी भी कर रहे हैं चीते की तरह डगआउट में। जी बिल्कुल, ये एक बड़ा मैच है, सभी खिलाड़ी निकल कर आए, ड्राइव करते हैं इस गेंद को मिड ऑफ और कवर के बीच में, लेकिन एक्स्ट्रा कवर पर खिलाड़ी तैनात है, एक ही रन से संतुष्ट रहना पड़ेगा बल्लेबाज पी राकिब को। स्कोर जो है इस एक रन के साथ बढ़ता हुआ 76 रन 2 विकेट के नुकसान पर, पारी का ये 12वां ओवर चल रहा है। एक बार फिर से बढ़िया गेंद, एक फ्लिक के तौर पर इस गेंद को खेला वहां पर पीर आकिब ने, एक रन के लिए अच्छी सोच वहां पर बल्लेबाजों की। आप लगातार स्कोर बोर्ड को चलाते रहना, ऐसा नहीं कि अगर आप बिंदी गेंदें खेलेंगे फिर आपका जो रिकॉर्ड रन रेट है वो बढ़ता नजर आएगा, तो आपको लगातार इक्का दुक्का से काम चलाना होगा। एक बार फिर से फुल टॉस गेंद थी, निकल कर आए, एक बड़ा शॉट खेलने का प्रयास जरूर किया था वहां पर जुबैरदार ने, लेकिन अच्छी सोच गेंदबाज नजीर टाइगर की ओर से, और लगातार अच्छी गेंदबाजी हो रही है गवर लेगी और नजीर टाइगर की ओर से, बहुत ही बढ़िया गेंदबाजी,
इसके साथ आउट करार दिए गए। यहाँ पर स्टंपिंग, बहुत ही अच्छी स्टंपिंग वहां पर आसिफ मुश्ताक के ओर से, और तीसरे विकेट का पतन उठता हुआ यहाँ पर बीसीसी बारामूला को 77 के स्कोर पर। और स्टंप आउट होने के बाद जिस तरह की प्रतिक्रिया विकेट कीपर ने दिखाई थी, हालांकि विकेट कीपर के साथ ही तनाव हुआ था जुबेडार का, और ऐसे में अब जुबेडार वापस जा रहे हैं। और ये लीजिए कौन सा खिलाड़ी मैदान के अंदर आ रहे हैं। जी हाँ, वादिया कश्मीर के कोहिनूर अब मैदान के अंदर आ रहे हैं जहांगीर लोन। ऐसे में हम सभी व्यूअर से अभिनंदन कर रहे हैं कि आप इस लाइव प्रसारण को शेयर करते रहे ताकि वो इस मैच को देख पाएंगे और आनंद भी ले रहेंगे। जी हाँ, आपने सही सुना है, जहांगीर लोन वादिया कश्मीर का कोहिनूर अब मैदान के अंदर आ रहे हैं। जी बिल्कुल, जुबैर डार के आउट होने के बाद जहांगीर लोन बल्लेबाजी करने के लिए अभी तक 58 मैच खेले हैं, 1558 रन बनाए इस बल्लेबाज ने, तो काफी लंबा अनुभव है इस खिलाड़ी के पीछे। और सबसे बढ़िया बात, आत्मविश्वास उनका सातवें आसमान पे होगा। कल मेहरा जो हमारी टीम ही वहां लाइव कर रही थी आप और में, उन्होंने 135 रनों की नाबाद पारी खेली थी और वो भी फाइनल में। तो कहीं ना कहीं जब हम उनसे बातचीत कर रहे थे, उन्होंने कहा कि व्यूअर्स का प्यार हमेशा उनकी दुआएं हमारे साथ होती हैं, और ऐसे में खिलाड़ी भी काफ़ी खुश रहते हैं व्यूअर्स जब उनके लिए दुआएं भेज रहे हैं। फिलहाल वादिया कश्मीर की शान कोहिनूर इस समय स्ट्राइक पे है। पहली बार सामना इस बार बढ़िया गेंद नज़ीर टाइगर की जड़ में, सम्मान दिया गेंद को खेला बॉलर की दिशा में, नज़ीर टाइगर ने खुद जाकर गेंद को फील्ड किया। इस बीच रनों में कोई भी इजाफा नहीं होता हुआ नज़ीर टाइगर अगली बार कमेंट्री छोर से फ्लाइटेड गेंद को निकाला लॉन्ग ओवर की ओर से, और इसी के साथ कोहिनूर वादिया कश्मीर ने अपना खाता भी खोला। जी बिल्कुल, जहांगीर लोन ने यहाँ पे अपना खाता खोला और स्कोर जो है इस एक रन के साथ बढ़ता हुआ 78 रन 3 विकेट के नुकसान पर। अब सारा निर्भर जो है इस साझेदारी पे करता है, क्योंकि ये जो दिग्गज बल्लेबाज है अगर ये बने रहे पिच के ऊपर फिर ये मैच जीत सकते हैं, लेकिन अगर यहाँ से विकेट जा सकता है तो निश्चित रूप से मैच समाप्त तो हो सकता है, क्योंकि जहांगीर लोन पर ये सारा निर्भर करता है, रीढ़ की हड्डी माना जाता है अगर हम बीसीसी बारामूला की बात करें। और सबसे बढ़िया बात महनवाज आपने ये की है कि इसको रीढ़ की हड्डी माना जाता है, क्योंकि जहांगीर लोन की विकेट यहाँ काफी कुछ निर्भर करेगी। अगर वो अच्छी पारी खेलने में कामयाब होंगे तो मुझे लग रहा है कि बीसीसी बारामूला जीतने में वो कामयाब होंगे। अगर जहांगीर लोन यहाँ शुरुआत में यहाँ सिटी जिम खाना उसको आउट करने में कामयाब होंगे तो फिर मुझे लग रहा है फिर दबाव और ज्यादा बीसीसी बारामूला के ऊपर बढ़ता नजर आएगा। ये उनकी टीम बल्लेबाज ही जानते हैं, और आबिद नबी पिछले कुछ समय से लगातार अब चिंतित नजर आ रहे हैं कि वो ये जानते हैं कि जहांगीर लोन को आउट करना बहुत जरूरी, लेकिन जहांगीर लोन देखना होगा कि वो किस तरह का प्रदर्शन। इस बार बढ़िया गेंद बैकफुट पे जाकर गेंद को हल्के हाथों से लॉन्ग ओवर की ओर खेला बड़ी आसानी के साथ, रन बनाने का वहां मौका था। इस एक रन के साथ 79 रन 3 विकेट के नुकसान पे ये पारी का 13वां ओवर इस समय चल रहा है। गेंदबाजी जो है एक बार फिर से परिवर्तन देखने को मिला, नदीम डार को यहाँ पर आक्रमण करने के लिए लाया है गेंदबाज अबेद नबी ने। अच्छा ड्राइव आपके बाहर पी राकिब के बल्ले से गेंद को धकेल दिया है लॉन्ग आपके क्षेत्र में एक रन के लिए, और इसी रणनीति के साथ बल्लेबाजी करनी होगी अब पी राकिब और जहांगीर लोन को, क्योंकि लगातार विकेट्स अंतराल पे गिरते रहे हैं, और ऊपर से अगर आप विकेट गंवाते हैं तो आप फिर काफ़ी ज़्यादा बैकफुट पे चले जाएंगे। एक अच्छी सोच के साथ लगातार अगर आप इक्का दुक्का से काम चलाते रहेंगे तो फिर आप अच्छा डीप लेके जाएंगे मैच को, फिर आप अंत में अच्छा फिनिश कर पाएंगे। और कॉलेज एंड से एक और परिवर्तन देखने को मिलता हुआ नदीम डार को गेंदबाजी के लिए लाया गया है। इस बार आकिब पीर का सामना करेंगे। इस बार बढ़िया गेंद फ्लाइटेड गेंद इस बार छोड़ दिया विकेट कीपर के दस्तानों में। इस बीच रनों में कोई भी इजाफा नहीं होता हुआ गेंदबाज फिर से अपने बॉलिंग मार्ग पे जा रहे हैं, अगली गेंद करने के लिए तैयार है। इस बार शॉर्ट गेंद और ये लीजिए इस बार कोई गलती नहीं, आबिद नबी स्लिप कॉर्नर में नजर आ रहे थे, एक बेहतरीन कैच लिया गया और इसी के साथ आकिब पीर का यहां अंत होता हुआ, और जिसके लिए लाया था नदीम डार को एक बार फिर उन्होंने अपना कार्य जरूर किया है अपनी टीम के लिए। जी बिल्कुल, एक बहुत बड़ी विकेट को जाल में फंसाया यहां पर गेंदबाज नदीम डार ने, पी राकिब को चलता किया, और पी राकिब जो है
निराशी कदमों के साथ पवेलियन की ओर जाते हुए 15 गेंदों पे केवल 10 रन बना दिए इस बल्लेबाज ने। आशिक डार लिख रहे हैं कि महनवाज को कमेंट्री करने दो यार, महनवाज आज सुबह ये भूल गया था, उन्होंने एनर्जी ड्रिंक नहीं पिया होगा और शायद ये फॉर्मेट 30-30 ओवर का है, ऐसे में काफी थकावट नजर आ रही है महनवाज को। हालांकि मैंने उनको कल शाम से ही एक कॉल जरूर की थी कि आप एनर्जी ड्रिंक पीकर आए मैदान के अंदर, क्योंकि 60 ओवर पे हमको कमेंट्री करनी है, ऐसे में महनवाज अपनी जबानी खुद बोलेगा। जी बिल्कुल, मैं महनवाज अशरफ एक बार फिर से आप सभी का अभिवादन करता हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं पूरी तरह से छात्र हूँ, सुस्त हूँ और आप तक ये लाइव प्रसारण इस समय पहुंचा रहा हूँ कश्मीर सपोर्ट्स वॉच के माध्यम से, और आप लगातार हमारे साथ जुड़ते रहिए। 4/12-13 ओवर इसमें चल रहा है, 81 रन पर 4 विकेट गवा दिए है बीसीसी बारामूला ने। तो लावली कहीं ना कहीं काफी ज्यादा बैकफुट पे चली गई है बीसीसी बारामूला की टीम। के आउट होने के बाद अब नॉर्थ कश्मीर का वॉल आ रहा है मैदान के अंदर, जहां जहांगीर बख्शी, ये सभी जानते हैं जहांगीर बख्शी किस कैलिवर के खिलाड़ी हैं, तकनीकी रूप से ये बहुत ज़्यादा सक्षम हैं और अमूमन जब उनसे बातचीत करने का मौका मिलता है या अमूमन लॉन्गर फॉर्मेट को बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। इस बार बढ़िया गेंद, झड़ में गेंद नदीम डार की, सम्मान दिया, बैट और पैड को क्लोज मिलाकर गेंद को खेला, इस बीच रनों में कोई भी इजाफा नहीं होता हुआ 13 ओवर की समाप्ति के बाद 81 रन 4 विकेट के नुकसान पर बीसीसी बारामूला। 13वें ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर 81 रन 4 विकेट के नुकसान पर, अभी भी 102 गेंदों पर 135 रनों की दरकार है मैच जीतने के लिए बीसीसी बारामूला को, और न केवल मैच बल्कि इस सुपर कप को अपने नाम करने में अभी भी 135 रनों की दरकार है। तो यहां से एक साझेदारी की जरूरत है जहांगीर बख्शी और जहांगीर लोन के बीच में। हालांकि जहांगीर लोन अभी भी नाबाद है, 3 रन बना के खेल रहे हैं और अभी भी आए हैं बल्लेबाजी करने के लिए, और एक अच्छी सोच ये रही है सिटी जिम खाना की, लगातार स्लिप को नहीं हटाया गया है और एक अच्छी सोच हम कह सकते हैं आबिद नबी की ओर से। आउट होने वाले खिलाड़ी बुरा नबी, जुबैर डार, इश्नाद और उनके साथ साथ जो अभी अभी आउट हुआ है आकिब पीर, 4 खिलाड़ी अब तक आउट हुए हैं। जहांगीर लोन वादिया कश्मीर का कोहिनूर और नौसिक इंग्लैंड पे जहांगीर बख्शी, जिसको वॉल ऑफ क्रिकेट कहा जाता है, ये आप बल्लेबाज जानते हैं, नजीर टाइगर का सामना करेंगे जहांगीर लोन, उनके लिए इस तरह की फील्डिंग सजाई है। स्लिप कॉर्नर में एक खिलाड़ी नजर आ रहे हैं अगली बार फिर से, और इस बार ले लीजिए नजीर टाइगर ने जहांगीर लोन को आउट किया है, अब वो झूमते नजर आ रहे हैं। आबिद नबी ने स्लिप कॉर्नर में कोई गलती नहीं की, ये एक बहुत बड़ा दचका उनको जरूर लगा है। आबिद नबी मैदान के अंदर इस समय झूमते नजर आ रहे हैं, ये एक चिंता का विषय है बीसीसी बारामूला के लिए। जी बिल्कुल, आप उत्साह देखिए सभी खिलाड़ियों की ओर से, और एक बहुत बड़ी मछली जहांगीर लोन को जाल में फंसा, यहां पर गेंदबाज नजीर टाइगर ने जितनी प्रशंसा की जय उतनी कम। 81 के स्कोर पर बीसीसी बारामूला को लगता हुआ 5वां झटका, और जहांगीर लोन निराशे कदमों के साथ पवेलियन की ओर जाते हुए, आप जो मैच है वो धीरे धीरे हम कह सकते हैं सिटी जिम खाना के खाते में जाता हुआ, क्योंकि जो प्रमुख बल्लेबाज है अभी तक इश्तियाक नाक, जहांगीर लोन, वो पवेलियन की ओर जाते हुए, और ये लीजिए अब तक के हीरो नजीर टाइगर, जहांगीर लोन को उन्होंने आउट करके डग आउट का रास्ता दिखाया था, जिसके लिए उनका नाम पड़ा गया है नजीर टाइगर। आउट लेने के बाद जिस तरह की बढ़िया छलांग उन्होंने चीते की तरह लगाई थी, वो दक्षिण युगी होती थी। जी बिल्कुल, जिस प्रकार के साउथ अफ्रीकन खिलाड़ी इमरान ताहिर कुछ इस प्रकार का सेलिब्रेशन करते हैं, और वही दिखाया यहाँ पर नजीर टाइगर ने, एक अच्छी विकेट, और इस विकेट की दरकार थी यहाँ पर सिटी जिम खाना को, और वो लाके दिया गेंदबाज नजीर टाइगर ने। 81 के स्कोर पर 5वां विकेट गवा दिया बीसीसी बारामूला, जो कहीं ना कहीं वो काफी ज्यादा अब बैकफुट पे चले गए हैं, अभी भी 135 रनों की दरकार है मैच जीतने के लिए। नजीर टाइगर चले एक बार फिर से, बढ़िया गेंद थोड़ी सी अंदर की तरफ आई, सम्मान के साथ इस गेंद को खेल दिया शहनाज नजीर ने, रन बनाने का कोई संभावना नहीं, तो अब जो है रनों पे काफी हद तक अंकुश लगेगा, क्योंकि जो आधी टीम है वो पवेलियन की ओर जाती हुई बीसीसी बारामूला की ओर से। महनवाज एक चतुर कप्तान में फर्क देखे, आबिद नबी ने अब तक स्लिप बिल्कुल भी नहीं हटाई है, अगर आप देखें 3 कैचेस अब तक स्लिप कॉर्नर में लिए गए हैं, आबिद नबी का शायद ये दूसरा कैच था,
और नजीर टाइगर क्या गेंदबाज है ये, क्या ऑलराउंडर उभर के आ रहे हैं। हालांकि जैसा हम बातचीत कर रहे थे मैं और मेरे सहयोगी कमेंटेटर महनवाज अशरफ, हालांकि ये बल्लेबाजी आज थोड़ा सा देरी से उनको मैदान में लाया गया था, उतने ज़्यादा गेंदें उनको नहीं मिली थी बल्लेबाजी में, लेकिन गेंदबाजी से तो उन्होंने कमाल किया है। वादिया कश्मीर का कोहिनूर को उन्होंने आउट किया है जी। बिल्कुल एक अच्छी गेंदबाजी नजीर टाइगर की ओर से, इसके बाद ड्राइव करते हैं ऐसा गेंद को शहनाज नजीर ने लॉन्ग ऑफ के क्षेत्र में। जब तक का गेंद को फील्ड किया जाए तब तक का बल्लेबाज ने अपना छोर बदल, और यही एक अनुभव की जो है कोशिश रहती है, वो काफी सारा अनुभव है इस खिलाड़ी के पास। अगर हम आबिद नबी की बात करेंगे तभी तो उन्होंने स्लिप बिल्कुल भी नहीं हटाई और तीन विकेट वहीं पे उन्होंने चटकाए कैच के रूप में। बहुत ही बढ़िया गेंद अब की बार अंदर की तरफ आई, जहांगीर बख्शी खेलना चाह रहे थे ऑन साइड की तरफ, जैसे वो अपना रिप्ले दिखा रहे हैं और संपर्क बिल्कुल भी देखने को नहीं मिला। 14 ओवर की समाप्ति के बाद 82 रन 5 विकेट के नुकसान पर बीसीसी बारामूला की टीम आउट होने वाले खिलाड़ी इशनाक जिन्होंने 11 रनों का योगदान दिया, उसके बाद बुरान नबी जिन्होंने कुछ आतिशी पारी जरूर खेली थी अपनी टीम के लिए, उसके बाद जुबैदार का पतन हुआ था, आके पीर भी आउट हुए हैं, और अभी अभी एक बड़ी मछली कोहिनूर वादिया कश्मीर का जहांगीर लोन जो नजीर टाइगर का शिकार बने। आबिद नबी के हाथों कैच आउट किया गया और आबिद नबी अभी भी स्लिप कॉर्नर में नजर आ रहे हैं, और आप दर्शक देखे जहांगीर लोन के आउट होने के बाद उनका डगआउट देखे बिल्कुल दर्शकों से भरा हुआ है, ऐसे में उन खिलाड़ियों के लिए वहाँ दिक्कतें नजर आ रही है। गौहर लैगी इस समय गेंदबाजी ओवर द विकेट कर रहे हैं, जो बिल्कुल कॉलेज एंड से गेंदबाजी कर रहे हैं। अगली बार फिर से फ्लाइटेड गेंद, गेंद को निकाला डीप पॉइंट की ओर, वहां खिलाड़ी मौजूद है लेकिन दर्शक होके रह बन जाएंगे गेंद बाउंड्री के बाहर 4 रनों के लिए जी। बिल्कुल, और एक चौका आता हो यहाँ पर बीसीसी बारामूला के लिए, और यही एक मजा आता है फिर मैच को देखने के, कि आप अंतिम क्षणों तक मैच को न छोड़ें। सिकोरा जो हुआ है इस अभी भी 82 रन 5 विकेट के नुकसान पर। जी हाँ, हम आपको चित्र दिखाने का प्रयास जरूर करेंगे, अगर हम आपको दिखाने का प्रयास जरूर करेंगे, देखे दर्शक देखे कितने ज्यादा कितनी बढ़िया संख्या में यहाँ लोग आए हैं। इस समय डगआउट जो है बीसीसी बारामूला का, वहाँ काफी ज्यादा बड़ी तादाद में लोग इस समय डगआउट की ओर जा रहे हैं, और ऐसे में अंपायरों के लिए भी थोड़ा सा मुश्किल समय है। ये आप अपनी स्क्रीन के सामने बिल्कुल देख सकते हैं, थोड़ा समय के लिए खेल जो है उसको रोका जा रहा है, मैदान के अंदर थोड़ी सी दुविधा यहाँ नजर आ रही है। दर्शक जो है बहुत ज्यादा संख्या में लोग जरूर आए हैं। 14 ओवर की समाप्ति के बाद 86 रन 5 विकेटों के नुकसान पे शाहनवाज नजीर जिन्होंने ये चौका जड़ा था, उसके साथ साथ जहांगीर बख्शी जिन्होंने 3 गेंदों में अब तक अपना खाता नहीं खोला है। अगर आप भागीदारी की बात करें तो 6 गेंदों में 5 रन उन्होंने जरूर बनाए हैं। ये जो लाइव प्रसारण आप तक पहुंच रहा है उसमें हमारा सहयोग कर रहे हैं गनी ऑटो व्हील्स, जो एक वर्कशॉप है, गाड़ियों की हर एक सुविधा वहां हमेशा उपलब्ध रहती है, और उसके साथ साथ खाना इंटरनेशनल सपोर्ट्स जो इक्विपमेंट के लिहाज से काफी ज्यादा ऊपरी क्रम पे, और आप देख सकते हैं उत्साह इस समय बीसीसी बारामूला का डगआउट पूरी तरह से खचाखच भरा हुआ है समर्थकों की ओर से, और भारी संख्या में लोग जो है आनंद ले रहे इस मैच का। मैच को जो है कुछ देर तक रोका दिया गया है, थोड़ा सा दुविधा वहां पर नजर आ रही है बीसीसी बारामूला के डगआउट में। जी हाँ, निश्चित तौर पे थोड़ा समय के लिए वहाँ खेल को रोका जा रहा है, जैसा हम आपके साथ सुबह से बने रहे, हमने आपको पहले कहा था यहाँ बड़ी ज़्यादा संख्या में लोग आए हैं, ऐसे में लगातार जब बातचीत रहती है खिलाड़ियों से कुछ तनावपूर्ण स्थिति इस समय मैदान के अंदर मौजूद है, ऐसा हम यहाँ प्रतीत कर रहे हैं, लेकिन हम मैदान के अंदर इस समय मौजूद है। और ये लीजिए वादिया कश्मीर का सबसे बड़ा नाम, हमारे सहयोगी कमेंटेटर शफी परा हमारे स्क्रीन के बिल्कुल पीछे आ रहे हैं, और हालिया दिनों में हमारे लिए एक बहुत बढ़िया उपलब्धि थी एक बढ़िया कमेंटेटर टीवी के कमेंटेटर पे, इस समय वो शफी भाई अपनी भूमिका जरूर देख रहे हैं, और कुछ ही समय के बाद
जब लाइव प्रसारण होगा तो शफी भाई जो है हमारे अंग्रेजी कमेंटेटर उनकी जबानी से आप जरूर सुन पाओगे। इस समय अगर आप देखें तो मैदान इस समय खचाखच दर्शकों से भरा हुआ है। थोड़ी सी इस समय तनावपूर्ण स्थिति है, जैसा हम हमेशा आपके साथ बातचीत करते हैं। देखिए खिलाड़ी देखे इस समय मैदान के अंदर मौजूद हैं, सिटी हंकस जिमखाना के सभी खिलाड़ी। और ये लीजिए काफ़ी समय के साथ हमारे सहयोगी कमेंटेटर को काफ़ी ज़्यादा दर्शक ढूंढ रहे थे, अंत में आज उनको समय मिला है तो कुछ ही क्षण में वो हमारे साथ ज़रूर जुड़ पाएंगे। और मेरे साथ मेरे सहयोगी वादिया कश्मीर की शान शफी भाई। शफी भाई स्वागत है आपका आपके अपने चैनल कश्मीर सपोर्ट्स वॉच पे। बहुत बहुत शुक्रिया, और बहुत समय के बाद आप लोगों के साथ मैं जुड़ गया, और आप लवली महनवाज दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। और जिस अंदाज में मैं यहाँ पे आया और बाहर ना तो मोटरसाइकिल ना तो गाड़ी पार्क हो रही है, और सोपोर टाउन जिसको हम एप्पल टाउन कहते हैं कि बहुत बड़ा फाइनल हो रहा है यहाँ पे, और ऐसे में लोग इतने ज़्यादा आ रहे हैं कि मैंने इतना सोचा भी नहीं था। और पूरा मुझे लगता है कि सोपोर टाउन जो है वो यहाँ पे पहुँच गया है। तो मैं सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगा जिन्होंने पूरी कश्मीर सपोर्ट्स वॉच की टीम को सपोर्ट किया है, चाहे वो रकीब भाई हो, मैं हूँ, लवली या मैं नवाज़। तो मुझे लगता है एक टीम एफर्ट है, हम कोशिश करते हैं कि हम क्वालिटी क्रिकेट को आगे ले जाने की कोशिश करेंगे, और एक 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 अच्छा क्रिकेट यहाँ पर एक बार फिर देखने को मिलेगा। तो यकीनी तौर पे चूँकि मैं तकरीबन पिछले 10-15 दिन से बहुत ही बिजी हूँ, चूँकि JKFA का जो एक प्रीमियर लेवल टूर्नामेंट चल रहा है और पहली बार ऐसा बड़ा इवेंट हो रहा है। शफी भाई क्षमा चाहूँगा, यहाँ रोकना चाहूँगा, मेरे भी जीवन में एक सपना है। आप माशाल्लाह आजकल टीवी कमेंट्री कर रहे हैं, कैसा आनंद आ रहा है उसमें? देखो बहुत ही कमाल की फीलिंग है, और इंशाल्लाह कुछ दिनों के बाद डिश टीवी पे भी हमारा मैच होगा, और ऐसे में बड़े बड़े लोगों के साथ, बड़े बड़े यू नो फुटबॉलर्स के साथ शेयर करना मैं समझता हूँ कि एक बहुत बड़ी कामयाबी है, और ये सब आप लोगों की वजह से है जिन्होंने हमेशा एक सपोर्ट किया है। तो मैं सारे भाइयों का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा, सारे लड़कों का, सारे जवानों का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा, खासकर जो यू नो खेल के वाबस्ती से हमारे साथ ताल्लुक़ रखते हैं उनका शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। हमेशा से उन्होंने एक सपोर्ट किया है और उसी सपोर्ट को लेकर मैं आगे जा रहा हूँ, और अभी तो सपना जो है उसका मुझे लगता है कि एक लेवल जो है कुछ हद तक वहाँ तक पहुँच गए, और उम्मीद करता हूँ कि आगे ले जाने की इसको कोशिश करेंगे। और यकीनी तौर पर हर एक इंसान के पास अपने अपने सपने होते हैं, और सपने इंशाल्लाह कामयाब हो जाते हैं, इंसान उनमें उनको हासिल करने में कामयाब होता है, तभी होता है जब उसकी पैशन लगन और मेहनत के साथ इंसान काम करेगा। और शुक्रिया शफी भाई, ये हमारे सहयोगी कमेंटेटर हैं कश्मीर सपोर्ट्स वॉच पे। हमने जब पहला लाइव किया था शफी भाई ने ही उसकी बुनियाद रखी थी, और कहा यही जाता है जिस पे भी शफी भाई हाथ छूते हैं वो सोना बन जाता है। इस बार जो मैदान में थोड़ी सी गर्माहट देखने को मिल रही थी अब वो पूरी तरह से समाप्त हुआ है। ऐसे में हमारी ढेर बड़ी शुभकामनाएं शफी भाई आपके साथ, आप हमारे लिए भी एक प्राउड हो क्योंकि हम आपके सहयोगी हैं, और ऐसे में काफ़ी सीखने को हमें ज़रूर मिलता है। ये पारी का 15वां ओवर इस समय चल रहा है, 5 खिलाड़ी के आउट होने के नुकसान पे BCCI बारामूला शहनवाज नज़ीर और जहांगीर बख्शी जो वॉल ऑफ क्रिकेट माना जाता है। इस बार बढ़िया गेंद को निकाला डीप पॉइंट की ओर से, बड़ी आसानी के साथ उन्होंने दौड़कर एक रन पूरा किया है। अब यहां से अगर और विकेट चटकाएंगे तो मुझे लग रहा है कि दबाव में यहां आएगी BCCI। एक बात को यहां पर मैं आपको थोड़ा करेक्ट करना चाहूंगा, जो जहांगीर बख्शी है बहुत ही बड़ा नाम है, वॉल ऑफ क्रिकेट नहीं बल्कि वॉल ऑफ बारामूला क्रिकेट हम कहेंगे या BCCI रेड्स का वॉल कहेंगे। बहुत ही बड़े खिलाड़ी हैं और काफ़ी कंट्रीब्यूशन उनका रहा है पूरे स्पोर्ट्स में, और उम्मीद करते हैं कि अच्छा यहाँ पर एक अच्छी पार्टनरशिप आएगी, और बड़े बड़े नाम आज खेल रहे हैं, जहांगीर लोंग, इश्तियाक नार, नज़ीर टाइगर, आबिद नबी, और वो बड़े बड़े नाम काफ़ी मेहनत और लगन के साथ फाइनल में आ पहुँचे हैं। एक बहुत ही बड़ा फाइनल जो कि यहाँ पर गवर्नमेंट बॉयज़ हायर सेकेंडरी स्कूल ग्राउंड जिसको सुबहाना स्टेडियम के नाम से जाना जाता है, सोपोर टाउन में ऐसा बड़ा फाइनल हो जाना, और ये बहुत ही डिफरेंट फॉर्मेट है, और ये 2020 फॉर्मेट नहीं है, ये 30 ओवर्स का फॉर्मेट है। तो यहाँ पर आपको पार्टनरशिप बनाने की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत होती है, यहाँ पर आप
शॉर्ट टेम्पर नहीं हो पाओगे, नहीं हो सकते हो, और यहाँ पर आपको बेहतर क्रिकेट खेलने की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत है, और यही कोशिश है पूरे सोपोर टाउन की, जिसमें निसार अहमद कांडे साहब, भट्ट साहब, बाकी जितने भी दिग्गज लोग हैं सोपोर की तरफ से, जिनका बहुत ही बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन रहा है स्पोर्ट्स की तरफ से, और उनका यही रोल है और उनका यही उनकी चाहत है कि स्पोर्ट्स को आगे ले जाए। उसके लिए एक लॉन्गर फॉर्मेट की ज़रूरत है, वो है 30 ओवर्स, जो कि कश्मीर में काफ़ी कम देखने को मिल रहा है, मुझे लगता है कि कहीं देखा ही नहीं जाता है, लेकिन सोपोर टाउन एक ऐसा वाइल्ड टाउन है जहां पर ऐसे बड़े बड़े इवेंट्स खेले जाते हैं, एक बहुत बड़ी बात है। और बिल्कुल सही कहा आपने, ये पारी का 16वां ओवर है, 90 रन, 5 विकेटों के नुकसान पे। शहनवाज नज़ीर और जहांगीर बख्शी इस समय मैदान के अंदर हैं, 216 रन उनको मैच जीतने के लिए करने होंगे। हालांकि आज शुरुआत तो ठीक ठाक ही रही थी, इशनाक ने कुछ आतशी स्ट्रोक खेले थे, उसके बाद बुरहान नबी ने, लेकिन नज़ीर टाइगर ने जब जहांगीर लोन को आउट किया था उसके बाद थोड़ी सी डगमगाती उनकी पारी है, ऐसा लग रहा है कि जो उनकी मानसिकता है वो थोड़ा सा गिरती नजर आ रही है। Yeah, absolutely. Jahangir Lohan is a big name, and yesterday he was, playing a blistering innings of 134 runs at the Wadla Valley, and the kind of player Jahangir Lohan is, everybody wants him to be in the club. So it was a terrific, innings of Jahangir Lohan yesterday of 134 runs. Meanwhile, it's a bit wide outside the off-stump, batsman just created some extra move there, and it was Shahnaz. He sent his ball straight to the backward up point. There was chance of a run. Nisar Borsu is in front of my eyes here on my lateral side. It has been one more run taken, and score goes up to now 89 for the loss of 5 wickets. Once more, drives the ball and drives it beautifully. This is Jahangir Lohan. He finds the fielder. It was Mehraj Molvi, and Jahangir Bakshi is a terrific player. This time, one more adds to the tally. It is 90 on the board. We are in over number 16. And on my left side, it's Mehnawaz. On my right side, it is Lovely Omar. So I'm in between. These two young boys, these two young lads, they have done a tremendous. Talking about the Sopo town, where we have taken a coverage, it is a fumble, that's gonna be a big fumble. Ball is, I guess, striking on the the tripods of the cameraman there. Oh god, that has been a big hand towardness for the team. It is 91, 16th over is going here. It is 5 down. We are in the blockbuster finals of the टूर्नामेंट फाइनली। जी हाँ, बिल्कुल सही कहा आपने, ये कोई बच्चों का मैच नहीं है, ये सोपोर कप 2021 का एक बड़ा मुकाबला खेला जा रहा है। दो दिग्गज टीमें इस समय आपस में टकराने जा रही हैं। बीसीसी बारामूला बनाम सिटी हंकर्स जिम खाना में हमारे साथ हमारे सहयोगी मेहनवाज अशरफ, जो वादिया कश्मीर की अब आवाज बन चुकी है। Yeah, he's voice of Kashmir now, and so that's why I'm trying to explore more talent from the valley in terms of Combox. So I think it is responsibility of everyone once you get the opportunity put a platform for them. That's going to be a wonderful thing. So at the moment, cricket, sports, that has brought the people very close to each other. The people from South Kashmir, from Central Kashmir are playing at the North Kashmir Spawner Stadium. This is absolutely magnificent, especially the three towns of the North Kashmir, that is Patan town, Sopo town and Baramulla town. These three towns have been playing a magnificent role in promoting the talent of the valley. Mehnawaz, बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों को, मेरे सहयोगी कुमार चेचा शफी पारा और लवली उमर, बहुत बहुत धन्यवाद। अगर इस समय मैं आप तक ये लाइव प्रसारण पहुंचा रहा हूँ, इसमें मेरा सहयोग काफ़ी ज़्यादा किया है शफी भाई ने, इसी ने मुझे ढूंढ लिया और मेरे टैलेंट को निखारने की कोशिश की। फिलहाल एक अच्छा शॉट खेला वहाँ पर बल्लेबाज जहांगीर बख्शी ने, एक इनसाइड आउट शॉट देखने को मिला कवर के ऊपर से। जब तक गेंद को फील्ड किया जाए तब तक बल्लेबाज ने 2 रन मुकम्मल किए, और अभी तक मैच जो है वो पूरी तरह से समाप्त नहीं हुआ है, क्योंकि बारामूला का वाल जहांगीर बख्शी अभी भी नाबाद है, और क्रीज के ऊपर डटे हुए बड़ा शॉट खेलने का प्रयास किया था, लेकिन आसान नहीं रहेगा गौहर लेगी के विरुद्ध शॉट्स खेलना, क्योंकि गौहर लेगी के पास उस प्रकार का टर्न है, उसके विरुद्ध बड़े शॉट्स खेलना आसान नहीं रहेगा, ऊपर से मैदान काफी ज्यादा बड़ा है। और आज तो सुबह ही मैंने कहा था ये एक जादूगर है, इस बार बढ़िया गेंद थी, गेंद को खेला शॉट कवर की ओर, वहां खिलाड़ी मौजूद है। इस बीच रनों में कोई भी इजाफा नहीं होता हुआ ये पारी का 17वां ओवर, गौहर लेगी डाल रहे हैं 95 रन, 5 विकेटों के नुकसान पर बीसीसी बारामूला। Yeah, absolutely. He comes in. It's a bit flight to delivery, trying to elude the batsman to come out. It's a direct hit, but he had made his line. Otherwise, it could have been a big danger and big disaster for the team. BCC Reds, Baramulla, they absolutely have been a tumbling start for them. Almost the top four is collapsed here at the Subhana Stadium. Jahangir Bakshi is the ultimate hope for the team. He upcomes the leggy.
Once more, with flight delivery that has been put forward. In fact, a batsman drives it and finds the fielder. Nazir Tiger, he is absolutely a big tiger there. And he has picked up the ball. And there is no chance for the batsman to rotate their hands. That mark is the end of 17 overs. It's 95 for the loss of 5 wickets. Now it means their asking run rate is mounting up. That has gone beyond 9. It's 9.19. And the current run rate is 5.59. So 121 runs needed from 78 balls. This is going to be here from a 2020 game for the Manavals. जी बिल्कुल अब धीरे धीरे जो है रिक्वायर्ड रन रेट जो है वो बढ़ता नजर आ रहा है 9.31 के साथ अब रिक्वायर्ड रन रेट जी और एक समय था 6 के आसपास लेकिन जब आप लगातार विकेट अंतराल पे गिराते रहे तो निश्चित रूप से फिर आपके ऊपर प्रभाव बढ़ जाता है 17वें ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर 95 रन 5 विकेट के नुकसान पर अभी भी 78 गेंदों पर 121 रनों की दरकार है बहुत ही बढ़िया गेंद और नजाकत से साथ खेला था शहनाज ने लेकिन गैप ढूंढने में सफल नहीं हुआ बैकवर्ड पॉइंट पर मैन ऑफ द मैच वुड लाइक टू इंटरप्ट यू वन थिंग आई हैव विटनेस हियर दैट हियर एट द सुभाना स्टेडियम द ब्यूटी ऑफ दिस ग्राउंड इज दैट द ऑर्गेनाइजिंग बॉडी दे हैव मेंटेन्ड अ प्रोटोकॉल दे हैव मेंटेन्ड अ ब्यूटीफुल डिसिप्लिन हियर दैट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एनी गेम ऑफ यू नो बीट क्रिकेट बीट फुटबॉल लास्ट टाइम व्हेन वी वर एट क्रू there was a lot of mess, you know, created by the people and that was their love, that was their affection towards, you know, Adil Kajdu. But still, you have to take all things into consideration that this is a sport and this is a platform for the youngsters. Meanwhile, the flight to delivery swept and sweeps it beautifully. It's up in the air. One bounce straight to the long leg fence. Fielder can't stop it. He can only watch how the ball will run away straight to the fence for four. It's a beautiful boundary here. Score moves up to now 99. We are in over number 18 here at the Subhana Stadium, Sopor. और ये जो लाइव प्रसारण है उसमें हमारा सहयोग कर रहे हैं गनी ऑटो व्हील्स जो एक वर्कशॉप है गाड़ियों की हर एक सुविधा वहां उपलब्ध है उसके साथ साथ खान इंटरनेशनल सपोर्ट्स जो क्रिकेट के लिहाज से काफी ज्यादा ऊपरी क्रम पे है न केवल कश्मीर में एक बार फिर से मिस फील्डिंग देखने को मिली और आज बॉडी लैंग्वेज जिसको हम शारीरिक भाषा कहते हैं वो ढीला नजर आता हुआ यहाँ पर सिटी जिमखाना की ओर से हालांकि अभी तक अच्छी गेंदबाजी करी है लेकिन फील्ड से उस प्रकार का सहयोग अभी तक का नहीं लगा है ये सीसी बारामूला इन द कॉकपिट ऑफ अ चेज देयर वी गो नजी टाइगर फ्रॉम द कॉम्बॉक्स साइड एंड फ्रॉम द केएसडब्ल्यू कॉम्बॉक्स साइड एंड इट वाज वेल पिच्ड अप एंड बैट्समैन जस्ट मैनेज टू पिक अप द फील्डर इन फैक्ट हु फाइनली गेट्स अ बॉल इट्स नजी टाइगर हिमसेल्फ इन द फॉलो थ्रू देयर इज नो डैमेज डन bit shorter it's beautifully done this was a quicker one this is a change of a line from Nazir Tiger is known for such type of balls and such type of deliveries he's such a fantastic and a fascinating all-rounder talking about Manavas this Subhana Stadium and its organizing body of the Sopor Cup it has been a you know huge platform for the youngsters the discipline the kind of you know civic nature that has been displayed here at the ground that looks absolutely touching the skies it's really very much you know good example for other associations as well and particularly the good thing about the North Kashmir is that some big towns like Baramulla town Sopor town Patan town and some other towns they are highly associated with each other because of sports and this is one of the platform that has been provided that's a 30 overs innings and 60 overs match there we have the two batsmen at the middle it is Shahnaz Nazir and Jahangir Bakshi from the BCC Baramulla 11 who are chasing 216 here They moves up to 100 for the loss of 5 wickets 18 overs gone अभी भी 72 गेंदों पे 116 रनों की दरकार है मैच जीतने के लिए गेंदबाज में एक बार फिर से परिवर्तन देखने को मिला अपील लेकिन थोड़ी सी जो गेंद है वो लेग स्टंप को मिस कर रही थी एक मौका जरूर वहां पर बनाया था गेंदबाज ने लेकिन कोई प्रभाव नहीं अंपायर के ऊपर अभी भी जो है 116 रनों की दरकार है मैच जीतने के लिए न केवल मैच बल्कि इस सोपोर कप को अपने नाम करने में बड़ा शॉट और गेंद को डिपॉजिट किया है स्टैंड्स में एक गगनचुंबी छक्का शहनाज नजीर के बल्ले से मैन वाज एट द डिस्पोजल दिस टाइम बैट्समैन हैज इन द स्लॉट्स वी ब्यूटीफुली हैज टर्न द कार्ड्स नाउ इट हैज गॉन स्ट्रेट अवे अ बिग ऑर्बिट दैट इज सिक्स ऑन द बोर्ड 106 कम्स फॉर द टीम बीसीसी बारामूला हियर चेजिंग 216 now the equation here is 70 balls to go 100 runs needed they have 5 wickets in hand BCC Baramulla जी मैंने पहले इसका जिक्र करा था और अभी भी जो मैच है वो पूरी तरह से समाप्त नहीं हुआ यहाँ पर क्योंकि बीसीसी बारामूला के पास बल्लेबाजी में काफी ज्यादा गहराई है और अभी भी जो है शहनाज नजीर और जहांगीर बख्शी
बल्लेबाजी करते हैं अपने टीम के लिए। And I would like to interrupt you, one of the big name and one of the great sportsman, a legend and the deputy, you know, SP of Anti-Corruption Bureau, Mohammed Rafi Pare Saab is also watching the match from the upstairs there in the gallery. He is one of the big name from French Sports Association and is also the advisor of this same association. What a man and what a contribution he has displayed so far for the sports, and he is an unsung hero, but he has been tremendously working for promoting and uplifting the talent of the valley. जी बिल्कुल, भारी संख्या में लोग जो है इस समय आनंद ले रहे हैं इस मैच का, तकरीबन 10,000 से अतिरिक्त लोग, और इसको वर्ल्ड कप माना जा रहा है अगर हम कश्मीर वैली की बात करेंगे, क्योंकि किसी भी कश्मीर वैली में 30 ओवरों का फॉर्मेट नहीं खेला जा रहा है और ये एक ऐसा पहला टाउन है जहां पे 30-30 ओवरों का मैच खेला जा रहा है, तो सभी युवाओं के लिए एक बड़ा मैच है कि वो अपने टैलेंट को निखार सकते हैं इस मैच पर। और इस मैदान में अभी तक लड़ाई नजर आ रही है दोनों टीमों के विरुद्ध अगर आप देखें, क्योंकि हार मानने के लिए कोई भी तैयार नहीं है, और जैसा अंतराल के बाद जुबैदार से कुछ गहमा गहमे भी हुई थी, तब से जाके अगर आप देखें इस मैच का आनंद आ रहा है। खेल थोड़ा समय के लिए रोका जा रहा है, लेकिन समझ में नहीं आ रहा है, लगातार इस तरह की यहाँ चित्र नजर आ रहे हैं मैदान के अंदर। और क्षमा चाहूंगा, गेंद जो है वो मैदान से बाहर गई थी, जो शहनवाज नजीर ने छक्का लगाया था, अभी भी उसको ढूंढा जा रहा है। दिस इज अ पिंक बॉल क्रिकेट बीइंग प्लेड इन द व्हाइट, यू नो, वेयरिंग इज देयर, दैट्स व्हाई वी हैव व्हाइट स्क्रीन्स एज वेल हियर, साइड स्क्रीन। सो इफ वी टॉक अबाउट द डायमेंशन अबाउट दिस ग्राउंड, दिस इज ब्यूटीफुल ग्राउंड एंड दिस इज यू नो हैविंग वेरी गुड बाउंड्रीज आई मस्ट से, एंड you know 70 meters boundary, that's quite ideal for the 30 overs game here. And meanwhile, one of the sensational photographer Bilal Sultan is taking some vital photographs of the event. It is Shahnaz Nazir who is on strike, and the bowler comes into the attack, right arm over the stumps. It's a bit shorter and bit wide outside the off stump as well. Fielder was already there, he manages to pick up the ball. Batsman until have all the time to pick up a single here. It's 107 on the board for the loss of 5 wickets. We are in over number 19. Amir Sofi, first over for him, comes in balls. This was wide outside the off stump. It could have been placed more better than this one. Maybe he will get a couple of runs here. Jahangir Bakshi is quite swift between the wickets. It's running. That has been quite jiffy between the wickets. Fantastic running by Shahnaz Nazir and Jahangir Bakshi. This is going to be a vital and a crucial partnership in perspective of BCC Baramulla here on. If something happens untowardness for the team, BCC Baramulla, in particularly from this partnership, that is going to be a disaster for the team this time. It's having a chance of a run out before Nazir Tiger could have sent the ball directly on the stumps. One more run has been taken. That has brought Shahnaz on the strike. Score goes up to 109. 5 down. We are in over number 19. 109 run board pe lag chuke hai. 5 wicket ke nuksan par 18.4 ओवरों की समाप्ति अभी तक हो चुका है। एक अच्छी साझेदारी आती हुई इन दो बल्लेबाजों के बीच में, और अभी तक जो है बिल्कुल भी बड़ा शॉट खेलने का प्रयोग नहीं कर रहे ये बल्लेबाज। जानते हैं कि अभी तक 5 विकेट जो है आधी टीम जो है वो पवेलियन की ओर लौट चुकी है, तो यहाँ पर एक साझेदारी की दरकार है और वो आ भी रही है इन दो बल्लेबाजों के बीच में। Yeah, definitely you can imagine now Shahnaz Nazir is playing a mature innings of 21 runs from 22 balls. Now Jahangir Bakshi, he is very different here, for 14 balls and 7 runs. So this speaks about the volumes of pressure, and he knows about the tumbling start of the team, that they have lost some vital wickets at the top of the order. So that's why there has been some sort of, you know, problems at the top of the order for the team BCC Baramulla here. So that's why Jahangir Bakshi has switched to gear number 1 here. He has not changed his gear. So this is very responsible inning so far from both the batsmen, be it Shahnaz Nazir or Jahangir Bakshi. Meanwhile, Nazir Tiger is fielding like a tiger at the point region. Slip has been placed in form of Abid Nabi, and we have backward up point, straightish point. Nisar Borsu is at cover. There is long off, long on, and there is deep delivery as well. This time Jahangir Bakshi comes into the action, plays the ball towards the short mid wicket. It was the bowler himself, and there was chance of a run here. Nadeem Dar, a sensational bowler, he has before this ball one over in which he has conceded only 2 runs and 1 wicket. This time good delivery, and that was almost a fumble by Shahnaz Nazir. Good call.
by Jahangir Bakshi at the other end. Nadeem Dar is a fantastic bowler, and look at his, you know, grip on the pink ball. He has been terrific and tried to a ball stump to stump. It is Nelson on the board for the loss of 5 wickets. We are in over number 20 here. After this, we have only 10 overs. The current run rate is 5.69 and the asking run rate has gone up to 10 now. बिल्कुल एक अच्छी नपितुली गेंदबाजी करी है आज अभी तक. अगर हम बात करेंगे नदीम डार, गौहर लेगी और नजीर टाइगर ने सबों ने काफी ज्यादा प्रभावित किया. और इस मैदान में जो है स्पिनर्स का काफी ज्यादा बोलबाला रहता है क्योंकि ये मैदान बड़ा है, तो इस समय स्पिनर्स के विरुद्ध बड़े शॉट्स खेलना आसान नहीं रहता है किसी भी बल्लेबाज के लिए. और इन जो बल्लेबाज आपके स्क्रीन के सामने है, इन्होंने पारी को संभाला. हालांकि शुरुआती में 4-5 विकेट्स गंवाते हो फिर आसान नहीं रहता है किसी भी टीम के लिए वापसी करना, और वो कर दिखा इन बल्लेबाजों ने. नदीम ढार चले एक बार फिर से, शॉर्ट पिच गेंद थी, कट करने का प्रयास किया था, बैक फुट पे चले गए थे. अपील एक मौका जरूर उत्पन्न हुआ था लेकिन सुरक्षित क्रीज में वहां पर जहांगीर बख्शी. और यहां पर गलतियां करना मना है. अगर यहां से विकेट गंवाती है बीसीसी बारामूला की टीम तो निश्चित रूप से फिर आसान नहीं रहेगा मैच जीतना. मैन वाज एडवांसिंग टुवर्ड्स टू कमिट अ सुसाइड जहांगीर बख्शी, दैट वाज एब्सोल्यूटली इनसेंट कॉल फॉर हिम, बट थैंक he must thank Shahnaz Nazir on the other end. He denied not to take a call. Ishtiaq Rasool today, he could only score 10 runs. Catch Atif Nabi, bowled Mehraz Moulvi. It's a big hit. It's gone a bigger one. It's all the way. The man at the long on, he can't stop the ball. It's gone out all the way. That's a magnificent hitting. Jahangir Bakshi is at his best. It's gone up here and orbit. That's a 6-1. जी बिल्कुल एक बड़ा छक्का. और इस गेंद को मंगवाइए मत, इसकी गुमशुदा तलाश केंद्र में रिपोर्ट लिखवाइए. थी दूर गई गेंद और ऊपर से जहांगीर बख्शी से बल्ले से निकलता हुआ छक्का. और इस छक्के के साथ आत्मविश्वास जो है काफी ज्यादा बढ़ जाएगा इस बल्लेबाज को, क्योंकि अभी तक खामोश नजर आ रहे थे लेकिन अब चीता जो है वो दहाड़ रहा है. एब्सोल्युटली बुरहान नबी द टॉप स्कोरर ऑफ द डे, ही हैज फेस्ड 28 बॉलर्स 39 रन्स एट द स्ट्राइक रेट ऑफ 139. कैच मेराज बोली बोल्ड गौहर लगी, जुबैर डार स्टंप, आसिफ रमजान बोल्ड, नजीर टाइगर 12, पीर आकिब कैच, आबिद नबी बोल्ड, नदीम डार 10, जहांगीर लोन कैच, आबिद नबी बोल्ड, नजीर टाइगर 3, एंड जहांगीर बख्शी इज नॉट आउट ऑन 14 एंड शाहनाज नजीर इज नॉट आउट ऑन 22. बीसीसी बारामूला 11, 118 फॉर द लॉस ऑफ 5 विकेट्स आफ्टर द एंड ऑफ 20 ओवर्स. जी बिल्कुल आज एक अच्छी रणनीति ये रही है सिटी जिम खाना की. और ये पारी का 21वां ओवर है और अभी तक स्लिप नहीं हटाई है इन्होंने, तो एक अच्छा कार्य किया है. और 3 कैच जो है वो स्लिप पे पकड़े गए हैं, बहुत ही अच्छी सोच. एक बार फिर से गेंद को धकेल दिया है बैकवर्ड पॉइंट के क्षेत्र में, वहां पर खिलाड़ी तैनात. हालांकि शॉट बहुत बढ़िया था लेकिन प्लेसमेंट ढूंढने में वहां पर असफल रहे बल्लेबाज शाहनाज. नजीर टाइगर, देयर इज सम सॉर्ट ऑफ यू नो क्राउड इज वार्मिंग अप देयर वोकल्स. Nazir Tiger is having some, and there's one more fumble by Nazir Tiger. He was over aggressive there, more assertive has not worked well for Nazir Tiger. He's anticipating the crowd here on the other side. This is looking to be a contest between Nazir Tiger and crowd. जी बिल्कुल, ये स्लेजिंग तो होती रहती है और जब इस प्रकार का चित्र देखने को मिल रहा है तो काफी ज्यादा मजा आता है. इसको देखिए, बड़ा शॉट और छक्का, गेंद गई दूर कोसों दूर, देकर जाएगी आधा दर्जन रन. जहांगीर बख्शी इस समय अपनी दावेदारी पेश करते हुए अपनी टीम के लिए, और अभी भी जो है चिंगारी जो है वो जलती नजर आ रही है. Yeah, absolutely, he has put fuel on the fire. जहांगीर बख्शी has smacked it all the way straight into the college ground. It's gone up for a big six. It's a good rescue for the team BCC 11 Baramula here. 119 on the board for the loss of 5 wickets. We are in over number 21. There we go. We have 57 balls and 91 runs needed from the team of BCC Baramula. He goes again. It's all the way. It's a big six. What a shot. और गेंद थी स्लॉट में और पार्क हुई पार्किंग लॉट में. दो गेंदों पे दो गगनचुंबी छक्के जहांगीर बख्शी के बल्ले से, बहुत ही बढ़िया कार्य कर रहे हैं इसमें अपने टीम के लिए. एब्सोल्युटली वी आर हाईली थैंकफुल टू द चीफ एडवाइजर ऑफ द एसएसए शाहीन सपोर्ट्स एसोसिएशन मिस्टर मोहम्मद रफी फरे साहब. He is also watching the match upstairs and applauding and giving some standing ovations to Jahangir Bakshi for this magnificent hitting. Back-to-back sixes. Can Jahangir Bakshi rescue the team of BCC Baramula? And Kashmir Sports Watch is presenting you one more blockbuster Sunday here.
जी बिल्कुल, एक बहुत बड़ा निर्णायक मुकाबला और अंतिम गेंद जब तक नहीं खेली जाएगी तब तक कुछ कहा नहीं जा सकता। और हमने ये पहले ही कहा था कि क्रिकेट अनिश्चितताओं का खेल है। एक समय ऐसा लग रहा था कि सिटी जिमखाना आसानी से मैच जीतेगी जब जहांगीर लोन इश्तियाक नाक जैसे बल्लेबाज पवेलियन की ओर जा चुके थे, लेकिन अभी भी जो है हार मानने के लिए तैयार नहीं है बीसीसीआई बारामूला की टीम। और जहांगीर बख्शी पूरी तरह से चीता की तरह इस समय क्रीज पर तैनात है। Yeah, the pressure has been built up on the opponents by the team of BCC 11 Baramulla now on City Gymkhana there, which is absolutely one of the toughest team to beat on the ground. Jahangir Bakshi moves up to 26 from 20 balls. So you can imagine what kind of calculated risk Jahangir Bakshi is taking. Before this, if we talk about his statistics, he had 7 runs from 14 balls. Now he's having 26 runs from 20 balls. So this is a magnificent batting from Jahangir Bakshi. This speaks about the volumes of class that he is having. There we go. Bowler comes right up over the stumps. Will be bowling to Jahangir Bakshi from the college side end. It's a good delivery. This time the batsman guides the ball towards the Nazir Tiger. Nazir Tiger, once he picks up the ball, the crowd is just going into the enchanting atmosphere there. जी बिल्कुल, एक क्रिकेटिंग माहौल यहाँ पर उत्पन्न हो चुका है। एक बड़ा मुकाबला चल रहा है। बीसीसीआई बारामूला एक बार फिर से बढ़िया गेंद, लेकिन आपकी बात जो है धीमी गति से फेंकी वहां पर गवर लेगी ने, थोड़ा सा कट किया था वहां पर बल्लेबाज जहांगीर बख्शी ने रन बनाने का कोई संभावना नहीं। और यह एक बड़े खिलाड़ी की पहचान रहती है, परिस्थितियों के समझ के बल्लेबाजी जो करे वो एक महान खिलाड़ी बन सकते। और जब डॉट गिने खेल रहे थे जहांगीर बख्शी और उस समय उसी की दरकार थी, अब जो ही जो रिकॉर्ड रन रेट है वो थोड़ा सा ऊपर दिखता नजर आ रहा है, उसी समय कुछ बड़े शॉट करने का चयन किया यहाँ पर बल्लेबाज। इफ यू टॉक अबाउट द 30 ओवर्स गेम और 2020 गेम, यू नीड द कंट्रीब्यूशन फ्रॉम कपल ऑफ प्लेयर्स टू गिव अ गुड फाइट। इफ यू टॉक अबाउट द सिटी जिमखाना, देयर टॉप स्कोरर टुडे हैज बीन आसिम रमजान एंड हु हैज स्कोर्ड 61 रन्स। आतिफ नबी द सेकंड गाय गॉट आल्सो अ 50 और 56 रन्स देयर, एंड अपार्ट फ्रॉम दोस two boys it was Abid Nabi the captain of the side, 33 runs. So it is some sort of a platform where a couple of guys need to play some big scores and they can rescue the team easily. जी बिल्कुल, ये तो स्पष्ट तौर पर जरूरी है कि एक खिलाड़ी जो है वो मैच को नहीं जिता सकते, एक आगे भागीदारी निभानी होती है। एक बार फिर से बड़ा शॉट खेलते हैं इसके, इनको बैकवर्ड पॉइंट के क्षेत्र में, वहां से थोड़ा सा फंबल होता हुआ दूसरा रन लेना चाह रहे थे बल्लेबाज शहनाज, लेकिन नकारा वहां पर जहांगीर बख्शी ने। और जहांगीर बख्शी जानते हैं कि कितना महत्व रखते हैं इस मैच में, यहां पर गलतियां करना नहीं चाह रहे बल्लेबाज जहांगीर बख्शी। एब्सोल्युटली, नज़ीर टाइगर हैज बीन ब्रॉट इनटू द बिजनेस, जहांगीर बख्शी इज गोइंग टू फेस हिम। इट वाज अ मुल्ली ग्रुप टाइप ऑफ अ बॉल व्हिच कीप्स एब्सोल्युटली लो एंड दैट इज ऑलवेज एंड एब्सोल्युटली एन अनइवन बॉल टू फेस देयर एंड व्हाट अ कॉन्टेस्ट देयर वी गो बिटवीन नज़ीर टाइगर एंड जहांगीर बख्शी। वन इज टाइगर, अनदर इज बॉल। Can Wall prove himself absolutely a terrific wall today? There we go. But so far he has cemented a good partnership. Absolutely fantastic running between the wickets. Good shot. Just chips it away to the shot. In fact, fielder comes from the deep square leg until he returns ball back to Nazir Tiger. One more addition to the tally. It's 132, 5 down. We are in over number 22nd. आप देखिए, हर एक गेंद पर उत्साह देखने को मिल रहा है दर्शकों के ओर से, और आप ये कल्पना कर सकते हैं कि ये कितना बड़ा मुकाबला है बीसीसीआई बारामूला बनाम सिटी जिमखाना। और गेंदबाजी जो है इस समय कर रहे हैं नज़ीर टाइगर अपने कोटे का चौथा ओवर। चले एक बार फिर से, पहले से ही फ्रंट फुट पे चले गए थे, एक जगह बनाना चाह रहे थे शॉट के लिए स्क्वायर लेग के क्षेत्र में, लेकिन फॉलो किया वहां पर गेंदबाज नज़ीर टाइगर ने। अच्छी सोच, अपने जो सोच है उसको नहीं बदला वहां पर नज़ीर टाइगर ने। Oh, absolutely, the batsman tried to go for almost a sweep shot there, but it could not middle the ball, neither it has hit the bat. In fact, there, I beg your pardon, he could not hit the bat, and it was absolutely, a big blow for Shahnaz. He is still reeling over that shot, a bit disappointed. That marks the end of 22nd over. 22 overs gone, 133 on the board for the loss of 5 wickets. Now the current run rate has mounted up, it has gone up to 6. And the asking run rate is also going up as well. That is blooming up, 10.38 now. That means 48 balls, 83 runs needed now. जी बिल्कुल, 48 गेंदों पर 83 रनों की दरकार है मैच जीतने के लिए। और अभी भी जो है ये उतना नहीं माना जाता है, लेकिन एक मुश्किल संदेश उनके लिए यह है बीसीसीआई बारामूला के लिए कि उन्होंने 5 विकेट्स गवा दिए, अभी भी 10 के औसत से रिकॉर्ड रन रेट चाहिए।
तो कुछ बड़े शॉट्स अब यहाँ से खेलने होंगे इन बल्लेबाजों को। Man was on my other side beside me is Lawlie Umar. He's also one of the new and great commentator that I brought him from the Dungdar and I told him before 27 days when he was doing commentary on the finals of the Dungdara that surely I will bring you on that page which will surely put some wonderful platform for you and that happened and he has turned out to be one of the fantastic commentators of the valley and so is the Manna was on my left side when Manna was met me first time at the Gush but I told him just go and speak out here on the mic and once he spoke and I told him that be ready I will invite you and this time hits it and cuts it beautifully outfield is quite fast and ball in the jiffy is In fact, crossing the line for four, Lawlie. और इस बार बढ़िया स्ट्रोक था ऑफ स्टंप से बाहर जगह थी और टूट पड़े लाजवाब प्रदर्शन और सबसे बढ़िया बात इस बार गैप में गेरा गया स्ट्रोक था दानिश अगबानी इस समय इस लाइव प्रसारण को देख रहे हैं बढ़िया गेंद इस बार खेलना चाह रहे थे इस बार रनों में कोई भी इजाफा नहीं होता हुआ इजाफा की लास्ट टाइम ही हैज गॉट यू नो एन ऑफिशियल यू नो सर्टिफिकेट फ्रॉम कुवैत And he is also watching the match from Kuwait. So a lot of people of Kashmir are watching the match, not only in Kashmir Valley, but abroad the country as well. So that is a magnificent thing for every page, be it KSW or any page. Bit shorter, Jahangir Bakshi this time wants to lift it over the sweeper cover. That was a quicker one from the bowler. And this was a terrific bowling from Nadeem Dar. His end has been changed. Sikur moves up to 138 for the loss of 5 wickets. We are in over number 23. 45 balls, 78 runs, 5 wickets in hand for BCC Baramula 11 here on. 45 गेंदों में 68 रन और चाहिए मैच जीतने के लिए 5 विकेट आउट हुए हैं तो कहा यही जाता है कि कुछ भी हो सकता है इस खेल में जैसा हम पारंपरिक तौर पे कहते हैं ये खेल अनिश्चितताओं का है इस बार बढ़िया स्ट्रोक ऊंचा लॉफ्टेड खिलाड़ी नीचे आ रहे हैं लेकिन इस बार बागीशाले रहे गेंद वहां गिरी जहां कोई खिलाड़ी मौजूद नहीं था आई थिंक एवरीबॉडीज हार्ट वाज पल्पिटेटिंग देयर दैट व्हाट जहांगीर बख्शी हैज डन फाइनली इवेंचुअली द बॉल जस्ट लैंड सेफ इन द नो मैनस लैंड एरिया एंड ही वाज यू नो क्वाइट सेफ महराज मौली ही हैड टू कवर अ लॉट ऑफ अ डिस्टेंस फ्रॉम लॉन्ग ऑन टू द ऑलमोस्ट शॉर्ट मिड विकेट मीनवाइल द बॉल कम्स इन नदीम राइट ओवर द स्टंप्स दिस टाइम शानास गोज ऑन द बैक फुट गुड कॉल टेकन बाय ऑन द अदर साइड जहांगीर बख्शी That no run has been taken. 139 on the board. 5 wicket is down. Over number 23rd is in progress. 44 balls, 77 runs now. ये पारी का 23वां ओवर इस समय नदीम डार कर रहे हैं. 139 रन 5 विकेटों के नुकसान पर. And Lawlie Umar Jahangir Bakshi is not out on 32 from 28 balls with the help of 3 sixes and a boundary. Shahnaz Nazir is not out on 24 from 31 balls. 2 boundaries and a 6. Magnificent partnership. It is going to be a spectacular and a partnership which can change the cards at the end. और बिल्कुल सही कहा आपने ये खेल ही साझेदारियों का है इस बार पढ़ने के बाद बाहर की ओर गेंद जाते हुए इस बीच रनों में कोई भी इजाफा नहीं होता हुआ 23 ओवर की समाप्ति के बाद 139 रन 5 विकेटों के नुकसान पर बीसीसी बारामूला की टीम या दैट्स रियली ग्रेट यू नो वन थिंग इज क्वाइट किलर हियर टू थिंग्स विल बी टेस्टेड टुडे वन आबिद नबी'स कैप्टेंसी एंड लीडरशिप ऑन द ग्राउंड ऑन फील्ड हियर एंड ऑन द अदर थिंग the wall of BCC Baramula that is Jahangir Bakshi's temperament too will be tested because so far he has played a tremendous innings of 32 runs rescued almost the team can he rescue this team to take back it from the Pacific Ocean it is Nazir Tiger who is enjoying there around the boundaries there on the other side we have some terrific players from the team of City Gymkhana as well today Atif Nabi KL Riaz Abid Nabi Asif Ramzan Nadeem Dar Jahangir Bhatt Asif Sofi Nisar Nazir Tiger Gavar Like these are the players playing for the team of City Gymkhana. Meanwhile, Sopore Express, that is Mehraj Molvi, has been brought into the attack. और जी हाँ, आज जब उन्होंने अंतराल के बाद शुरुआत की थी गेंदबाजी से इश्ना के विरुद्ध पहली गेंद पे चौका दूसरी गेंद पे छक्का लेकिन उसी ओवर में इस गेंदबाज ने उसको आउट भी किया है लेकिन काफी उत्साहत का माहौल इस समय मैदान के अंदर मौजूद है जितना जितना समय गुजरता जाएगा तनाव और ज्यादा बढ़ता नजर आएगा एंड नाउ द सरप्राइजिंग थिंग इज फॉर महराज मौलवी देयर इज नो स्लिप स्लिप हैज बीन रिमूव्ड देयर वी गोना हैव अ थर्ड मैन इन एक्शन बैकवर्ड अ पॉइंट आबिद नबी द कैप्टन ऑफ द साइड इज स्टेइंग एट द पॉइंट स्ट्रेटिश पॉइंट नदीम डार एट द बैकवर्ड अ पॉइंट वी हैव नसार बोर्स द लेजेंड एंड अ ग्रेट प्लेयर फ्रॉम द डिस्ट्रिक्ट Gandharbal is staying at the mid-off
Now Longoff has been called in to stay at the extra cover now, and this is going to be fielding through the offside. If we talk about the onside, we have long gone in action where Nazir Tiger is waiting for a catch, deep mid wicket, deep fine leg. There we go, Miraj Molvi for the first time in this over. 24th over will be started now. Miraj Molvi. Oh, it's wide outside the leg stump to avoid the wide delivery. He was asking for an appeal there, and that's gonna be one more extra run for the team BCC Baramulla. Who cares where the ball gone? And it is the team of City Gymkhana who cares about it, and Miraj Molvi himself. It is 140 on the board for the loss of 5 wickets. Over number 24th has been started. Is atirik ram ke saath score board aage badhta hua 140 run 5 wicketon ke nuksan pe ye aur 24th over is samay chal raha hai. Badhiya stroke aur theek thaak timing, gap bhi doda gend boundary ke bahar charan ke liye. Doesn't work well for Miraj Molvi. Once the long off was called in 30 yard circle and extra cover was placed, batsman Jahangir Bakshi is having a super power. He just smokes it and in fact smacks the ball beautifully, runs away, no bounce. It's a surface boundary here, races to the fans for 4. Aur is bar bahut hi badhiya shot tha, atmavishwas se ye bhara hua stroke tha. Jahangir Bakshi ab puri tarah se set ho chuke hain, gend football ki tarah nazar aa rahi hai. Agli bar phir se is bar kadmon ka badhiya istemal, leg stump ke aas paas gend thi, gendbaz ne jaakar gend ko field kiya, tab जाकर एक रन दोनों बल्लेबाजों ने पूरा किया. Jahangir Bakshi is not out on 36 from 29 balls, 2 boundaries, 3 sixes. Shehnaz Nazir is not out on 24. He too has played a tremendous and a vital role for the team of BCC Baramulla, led by Zubair. And this is a terrific team as well, and one of the biggest clubs of Baramulla. Meanwhile, 144 for the loss of 5 wickets. Miraj Molvi goes once more from the KSW side end. Is just survival is the ball beautifully straight to the deep. He's having a couple of runs here. Can we have a second run? Yes, does well and gets a couple of runs. Score goes 147. Let's have a look over it. 39 गेंदों में 69 रन और चाहिए मैच जीतने के लिए. शहनवाज नजीर ने इस बार कदमों का अच्छा इस्तेमाल किया था, ऑन साइड की ओर गेंद को धकेला था, बड़ी आसानी के साथ उन्होंने दौरान अर्जित किए हैं. कमेंट्री छोड़ एंड से अगली बार फिर से इस बार लेग स्टंप के आसपास अपील हो रहे हैं, लेकिन नियम अनुसार उसको आउट नहीं दे सकते. मोस्ट ऑफ द टाइम इन इंटरनेशनल क्रिकेट आई हैव सीन दैट शोएब मलिक इज प्लेइंग शॉट्स लाइक दैट, व्हाट यू नो शहनवाज नजीर इज ट्राइंग टू गो ऑन द फ्रंट फुट एंड ट्राइज टू प्लेस द बॉल टुवर्ड्स द long leg, fine leg or the you know square leg. So couple of times he has not been able to hit the ball very finely, so that has been the problem for Shahnaz. He need to change his strategy here on as match goes one more in this over right over the stumps. A tall man, 6.3 inches his height, goes in, balls. It's not a good shot. Jahangir Bakshi doesn't know where the ball is landing there. It was well blocked, bamboozled the batsman this time, beautifully bowled. After long time I am using this word, Lawle. Aur bilkul sahi keh rahe aap, is word ke sath mujhe kafi bhavnaen judti hain aur is bar bahut badhiya gend thi. Hum apne sabhi viewers ka dil ki ummeed gehrai se unka dhanyawad karte hain jis tarah se pure din wo hamare sath bane rahe. Agli bar commentary chhodne se ek bar fir se leg stump se kafi bahar, nishchit taur pe wide ka ishara hona chahiye. Lagatar anushasan gendbazi ho rahi hai. This was across the seam. You know, Miraj Molvi is trying to make some experiments in this over, but this is not the time to make experiments. This is the time when you need to hit the deck very perfectly. So far, it has been a stunning approach by the team of BCC Baramulla, who were absolutely in Pacific Ocean. Both these, yeah, you know, Jahangir Bakshi and Shahnaz Nazir has brought the team back on the shores there. अगली बार फिर से कमेंट्री छोड़ने से इस बार फिर से लेग स्टंप के आसपास गेंद थी. अंपायर का इशारा कि ये वाइड गेंद है. लगातार दिशा से भटकते नजर आ रहे हैं. अगर आप दिशा से भटकते हैं तो पटकी खाते हैं आप बल्लेबाजी से. या एब्सोल्युटली दैट इज क्वाइट नास्टी फॉर Miraj Molvi एंड फॉर द टीम एज वेल. Miraj Molvi इज अ वेरी सेंसिबल बॉलर एंड ही नोज हाउ टू गेट बैक एंड हाउ टू गेट ऑन टू द परफेक्ट डक. हियर वी गो, Miraj Molvi राइट ऑन ओवर द स्टंप्स, गोज इन बॉल्स. It was a good line. It was a perfect line. And ladies and gentlemen on Kashmir Sports Watch, would like to remind you that the fastest express of the Jammu and Kashmir, Umran Malik, has bowled 153 kilometers in an hour. That is absolutely insane hitting by Umran Malik. He is turning out to be
absolutely a new talent for the team India. Maybe he will be included in 2020 World Cup. हालिया दिनों में सोशल मीडिया पे तो वो छाए हुए हैं, वादिया कश्मीर की आजकल उनको शान मानी जाती है। 36 गेंदों में 65 रन और चाहिए मैच जीतने के लिए। ऐसे में जितना जितना समय गुजरता जा रहा है तनाव और बढ़ता नजर आ रहा है, ऐसे में ये कड़ा संघर्षपूर्ण मुकाबला होने जा रहा है। कश्मीर सपोर्ट्स वॉच अब बन चुकी है हर घर की आवाज। और बिल्कुल सही कहा आपने, ये हमारे सहयोगी कमेंटेटर महनवाज अशरफ, बहुत बहुत धन्यवाद आपका लवली उमर। और अगर हम पहले सिपल की बात करेंगे, महराज मौलवी की और बहुत ही उमदी गेंदबाजी करी थी, चार ओवर में कुछ 10-15 रन देके एक सफलता अर्जित की थी। इश्तियाक नाग को चलता किया था। इंटरप्ट महराज मौलवी 5 ओवर्स नो मेड इन 39 रन्स 1 विकेट एंड हिज इकोनॉमी सो फार हैज बीन 7.80। नदीम डार 3 ओवर्स नो मेड इन 17 रन्स 1 विकेट, सो 36 बॉल 65 रन्स नीडेड हियर ऑन। इट इज अ स्लॉग स्वीप फ्रॉम जहांगीर बख्शी। जहांगीर बख्शी मूव्स अप टू 38 नाउ, 35 बॉल 64 रन्स नीडेड। BCC Baramula, they moves up to now 152 for the loss of 5 wickets. We are in over number 25 as Nadeem Dar has been brought into the attack. देखिए जो रिकॉर्ड रन रेट है वो 11 के आसपास चले गए, तो अब यहाँ से बड़े शॉट्स जरूरी खेलने हैं। अगर हम BCC बारामूला के दृष्टिकोण से बात करेंगे, देखिए बड़ा शॉट खेलेगा प्रयास, टाइम पूरी तरह से नहीं कर पाए और इसी के साथ और एक विकेट का पतन उड़ता हुआ शहनाज को चलता गया। यहाँ पर गेंदबाज नदीम डार ने कुंदा कैच लपका और कहीं ना कहीं यहाँ पर कुछ हद तक बैकफुट पे चले गई है BCC बारामूला की टीम। Absolutely, that was quite nasty, but at the end he make himself a bit of a nuisance and gets a cracker and gets a stunning catch. And that marks the end of this vital partnership. The equation here is now 35 balls, 64 runs. It is 152 for the loss of 6 wickets now. BCC Baramla chasing 216 against the City. और मैदान के अंदर कौन आए हैं? जोर जोलो, वो एक ही कसम बल्लेबाजी करना जानते हैं और वो हैं ताबड़तोड़ बल्लेबाजी। Yeah, he is an insane hitter. He is an insane hitter of the ball, Zuhur Zolo. Let's come very close to the camera. Can we have 1K? They can share it very easily, lovely Omar. और जी हाँ, वो हमें काफ़ी सम्मान करते हैं, पूरा दिन आज वो उन्होंने व्यूवर्स ने हमारे साथ बिताया है। ऐसे में मुझे उम्मीद है कि वो इस लाइव प्रसारण को शेयर करते रहेंगे ताकि जो अन्यथा लोग हैं उन तक भी ये लाइव कवरेज पहुंच जाएगी। जी बिल्कुल, जोहरा जोलू के पास उस प्रकार की क्षमता है, ये बड़े शॉट्स के लिए जाने जाते हैं और सेमीफाइनल में इन्होंने एक अर्धशतकीय पारी की थी और काफी हद तक मोमेंटम चीज किया था उस बार। अगर हम सेमीफाइनल की बात करें और यहाँ पर कुछ उसी प्रकार की दरकार है, कुछ बड़े शॉट्स लगाने होंगे। नदीम डार चले एक बार फिर से बढ़िया गेंद। I would like to interrupt you. 30 overs, innings or 60 overs match is looking like to be a one-day cricket in Kashmir because we have been playing consistently 20-20 format. Meanwhile, Nadeem comes in. Zuhur Zolo in his typical style bangs the ball, but there was somebody who has come in to rescue. Charges over it, returns ball back to the bowler Nadeem Dar. One more addition with this, Zuhur Zolo has opened his account with aggression that has brought Jahangir Bakshi back on strike. ऐसे में कप्तान की भी बहुत ही सराहना करनी होगी। अगर आप सिटी हंकर्स कश्मीर की जिमखाना की बात करें, लगातार फील्ड बदला रहे हैं और अपनी जगह पे भी निर्धारित जगह पे भी पहुंचते नजर आ रहे हैं। कुल मिला के एक आनंद आ रहा है, जैसे सिटी जिमखाना को जानी जाती है एक बढ़िया टीम। वादिया कश्मीर ने एक बार फिर उन्होंने दर्शाया है क्यों हमारी टीम की इतनी बातचीत होती है। इस बार क्लीन बॉल्ड और नदीम ने जहांगीर बख्शी को आउट कर डग आउट का रास्ता दिखाया। That was insane shot. This was not need of the time. Oh God, what the Jahangir Bakshi has done. He has placed the water on every hope of the team of BCC Baramula here. Oh God, he's walking back to the hut. BCC Baramula is in absolute trouble now. The top order is completely collapsed. It is the turn of now tailenders. Only the Zuhur Zolo is the man who can tackle the situation. The danger is hovering around the dugout of BCC Baramula. City Gymkhana are flying up and they are absolutely touching the skies now. ये बिल्कुल बहुत ही अच्छी गेंदबाजी यहाँ पर नदीम डार की ओर से, एक बहुत बड़ी मछली को जाल में फंसा और हम ये कह सकते हैं खराब शॉट सिलेक्शन देखने को मिला वहां पर। जहांगीर बख्शी की ओर से ऑफ साइड पर गेंद थी और ऑन साइड की तरफ मोड़ना चाह रहे थे और गेंद ने बल्ले का बाहरी किनारा छुआ। और ये देखिए, एक्चुअली द बॉल वाज नॉट वाइड आउटसाइड द ऑफ स्टंप, नीदर
that it was on the off stump. The ball was, stumps to stumps. It was around the middle stump there. What actually happened there, when he went for a slog sweep there, because the ball came a bit quicker. It was some sort of a quicker delivery from Nadeem Dar, and he has bamboozled the batsman, and there was no chances for, Jahangir Bakshi to get back, and he was put in absolute shackle. That makes the end of Jahangir Bakshi's innings. A vital innings comes to an end. BCC Baramula are yet in trouble, and let's have a wait and watch who is going to win this contest at the end. Aur tareef honi chahiye yahan City Hunkers Jim Khanna ke captain ki, khas taur se Abid Nabi ki, jis tarah se unhone gendbazi mein badlav kiya hai. Ye dekh ke maza aata hai jab maidan ke andar ladai hoti hai jeet ke liye. New batsman comes in. Both the batsmen are new at the crease now. The match is live here from the Subhana Stadium, Government Boys Higher Secondary School, Appletown, Sopur. And Sopur is equivalent to our district. He's having the largest population as compared to the other tehsils of District Baramula. Is one of the big tehsil, and Sopur is absolutely comprising of enormous talent. Shafi Aram is one of the big name from this side. Ovais Baba, Mehraj Molvi, some great players have been produced by the team, by the town of Sopur. Mehraj Molvi is having a deck over his fielding. Third man has been placed there. We are having a back foot up point, straightish point in form of Abid Nabi. Nisar Bosu continues to field at short cover at the circle. Zur Zoli is on strike. Mehraj Molvi goes in right arm over the stumps. It's a good delivery. It was a terrific ball. Although the batsman managed to pick up a single, and the ball was coming almost in a Yorker shape, and that was absolutely a block hole delivery that has created some panic for Zur Zoli, but finally managed to pick up a single. Score goes up to 154 for the loss of 7 wickets. We are in over number 26, chasing 216 here, Baramula 11. जी बिल्कुल, और काफी सारी गति है इस गेंदबाज के पास, और जिस प्रकार से कंधे का इस्तेमाल करते हैं, और किसी भी गल्लेबाज के लिए आसान नहीं रहता है. मेहराज मौलवी के विरुद्ध खेला, और ऊपर से लंबे कद के गेंदबाज है, और उस प्रकार से इसको अतिरिक्त उछाल मिलता, और तभी तो ये काफी ज्यादा सफल हुए है आज इस मैदान में. नासिर फैली और जोहर जोलो इस समय बल्लेबाजी कर, और जोहर जोलो पर काफी सारे निगाहें रहेगी, क्योंकि यही एक बल्लेबाज है जो इस मैच को जीत सकता है. बड़ा शॉट खेल दिया इस गेंद को लॉन्ग ऑन के क्षेत्र में, वहां पर खिलाड़ी तैनात, और आसान सा कैच. इसी के साथ और एक विकेट का पतन उठता हुआ यहाँ पर नासिर फैली बड़े शॉट के लिए गए, और नियंत्रण में नहीं रख पाए, और अच्छा कैच लगता वहां पर. और कैच लेने के बाद जिस तरह की प्रतिक्रियाएं वहां नजीर टाइगर ने दर्शाई थी ना, वो देखने योग्य थी. और क्या लाजवाब खिलाड़ी है ये आबिद नबी, उनका पीठ थपथपाते नजर आ रहे हैं, ये देख के अच्छा लग रहा है. नजीर टाइगर आज टेकिंग अ स्पेक्टेकुलर कैच, और नजीर अहमद सबसे पहले स्वागत है. थैंक यू सो मच. और क्राउड के साथ जबरदस्त स्लैजिंग चल रही है. नहीं, बहुत मजा आ रहा है जब क्राउड आपको सपोर्ट कर रहा है, तो बड़ा मजा आ रहा है. अगर हमारे खिलाफ भी है, लेकिन क्रिकेट खेलने में बहुत मजा आ रहा है. कमाल की फील्डिंग. थैंक यू. नजीर टाइगर अ सेंसेशनल प्लेयर हियर, एंड लेडीज एंड जेंटलमैन ऑन कश्मीर सपोर्ट्स वॉच, इट्स अ बिग कोलैप्स फॉर द टीम बारामूला बीसीसी 11 हियर, एंड स्कोर मूव्स अप टू 154. And back-to-back wickets goes back to the hat. It's 154 for the loss of 8 wickets, 62 needed from 27. And the hope of the team is yet there. It's gone. Zuhur Zolo, can he rescue the team? He's having the ability. Can he play with his complete capability? That is what he is supposed to do there. And Manavaz and Lovely, what do you think? और मुझे तो लग रहा है कि आज मध्य क्रम में अगर आप बीसीसी बारामूला की बात करें, तो थोड़ी सी जल्दबाजी उन्होंने दिखाई थी. यही एक कारण है कि इतने मुश्किल में इस समय वो खड़े नजर आए. उमर लोन आए हैं बल्लेबाजी करने. जोर जोलो ने बढ़िया तरीके से ऑन साइड की, और इस बार धकेला. वहाँ खिलाड़ी मौजूद है नजीर टाइगर, और उन्होंने गेंद को सरलता के साथ गेंद को फील्ड किया, तब तक आसानी के साथ एक रन दौड़कर पूरा किया. 155 ऑन द बोर्ड, 8 विकेट इज डाउन, वी आर इन ओवर नंबर 26. Mehraj Molvi goes to the top of his bowling mark, goes in beautifully. Ball this time, Sikid Sawai, and that has been well taken behind the wickets. No damage done. Scores are unchanged. It's
155 for the loss of 8 wickets. Baramulla BCC need now 61 runs from 26 balls. Miraj Mollia has got a wicket in this over. This is going to be 6th over for Miraj Mollia and he has got 2 wickets and he has conceded 41 runs. और सबसे बढ़िया बात, इशनाक को उन्होंने आज सुबह आउट किया था, वो एक बड़ी मछली जाल में थी, उसके बाद थोड़े से डगमगाए वहां बीसीसी बारामूला की टीम। अगली बार कमेंट्री चौडोट से फिर से आ रहे हैं। इस बार दिलशान को शॉट और विकेट कीपर ने कोई गलती नहीं की, उमर लोन का अंत इसी के साथ होता हुआ। God, what he has done there. There was nothing need of that shot. Despite having the third man up in the 30-yard circle or man was, this was terrific blow. जी बिल्कुल, अब यहां से बड़े शॉट्स लगाने होंगे क्योंकि जो रिक्वायर्ड रन रेट है वो 15 के आसपास पहुंच चुके हैं, तो यहां से अब बड़े शॉट्स जरूर लगाने होंगे। और ऊपर से जो है बल्लेबाजी अब यहां से नहीं बचते हैं, 9 विकेट्स गवा दिए हैं बीसीसी बारामूला ने और अब केवल जहूर जोलू जो है वो नॉन स्ट्राइकिंग एंड पर तैनात है और उसमें कुछ हद तक क्षमता है शॉट्स खेलने के लिए। बहुत ही अच्छी गेंदबाजी यहां पर देखने को मिली महराज मौलवी की ओर से। महराज मौलवी ने अपना कोटा यहां पर समाप्त किया है, 41 रन बना के 3 विकेट्स उन्होंने चटकाए हैं। Yeah, it's 155, 9 down, last period to go. Jack is coming. In cricket, Jack means number 11. It is not Jahangir Lohan. और बिल्कुल सही कहा आपने, और लगातार दर्शक जो हैं वो अब सभी खड़े हुए हैं, यानी कि वो तैयारी कर रहे हैं, कोई जो भी टीम यहाँ से जीत पाएंगे ऐसा अनुमान लगाना बहुत ही आसान है कि कश्मीर क्षमा चाहूंगा सिटी जिमखाना यहाँ जीत के कगार पे इस समय खड़े हैं। सिटी जिमखाना और हेडिंग टूवर्ड्स टू क्रूज अ विक्ट्री हियर ऑन। Jahangir is at the first slip that has been placed there by team captain Abid Nabi. He has utilized it, all the bowlers. And look at the crowd, look at the anticipation. There is complete silence in the crowd now, Mehnawaz. जी बिल्कुल, एक बहुत बड़ी जीत के ओर बढ़ रहे इस समय सिटी जिमखाना की टीम और केवल एक विकेट यहां से अर्जित करना है और बीसीसी बारामूला को 24 गेंदों पर 61 रनों की दरकार है मैच जीतने के लिए। जहूर जोलू और मुंतजिम बशीर इस समय बल्लेबाजी कर रहे हैं। Whosoever is gone to win this title, but what important here is the organizing body of Subhana at the Subhana Stadium of Sopor Cup. They have done a tremendous work playing lovely 30 overs innings and 60 overs matches, not everybody's cup of tea. I think credit goes and a big applaud goes to the organizing body of this Sopor Cup. बिल्कुल सही कहा आपने, ये कोई बच्चों का फाइनल नहीं था, ये सोपोर कप 2021 का बहुत ही बढ़िया फाइनल था। इस बार शॉट बढ़िया था लेकिन इस बार फील्ड करने में उतने कामयाब नहीं हुए, गेंद बाउंड्री के बाहर 4 रनों के लिए। It was a flying drive, it was upish in the air for a while, fielder at the end could not stop the ball. It's one bounce straight to the fence for 4. Now it's 159 on the board for the loss of 9 wickets. 24 balls, 61 runs. Can Zuhur Zolo do some magic for the team? Only a miracle can survive the team. He goes again. That's insane hitting. There's gonna be a 6 into the crowd once more. Zuhur Zolo is shown his power. जी बिल्कुल, उसमें इस प्रकार की क्षमता है, अभी कुछ कहा नहीं जा सकता है। क्रिकेट अनिश्चितताओं का खेल है। स्वाइटिंग में मैंने एक फाइनल को कवर किया था, वहां पे 12 गेंदों पे 31 रन दरकार थे और केवल एक विकेट था और उन्होंने वो अर्जित किए, तो यहां पर भी कुछ उस प्रकार के दृश्य हो सकते हैं। जोर जोर एक बार फिर से बड़ा शॉट के लिए गए लेकिन गेंद जो है पूरी तरह से बल्ले पर आई ना, और जहां जोर जोलो ने है यहां पे जो अपने रणनीति उसको स्पष्ट किया है कि आप बड़े शॉट्स लगाने हैं। एब्सोल्युटली, इट इज गॉन 165 on the board now. 9 down. 23 balls to go. अभी भी 23 गेंदों में 57 रन चाहिए मैच जीतने के लिए. 51 runs needed. Lovely Omar here on. Zuhur Zolo on strike. Crowd on toes. Miraj Mollia has been changed from that position. He has brought from offside to onside now. Who is gonna win? Who is gonna to take this title? और मुझे तो लग रहा है कि बहुत आसान है ये कहना, सिटी जिमखाना जीत के बहुत ज्यादा नजदीक है। आप ये जानते हैं कि 21 गेंदों में 51 रन जीतने के लिए चाहिए, लग तो यही रहा है कि मुश्किल होगा बीसीसी बारामूला के लिए। देखिए लवली, क्रिकेट अनिश्चितताओं का खेल, एक बार फिर से बड़े शॉट के लिए गए जहूर जोलू लेकिन संपर्क का बिल्कुल भी देखने को नहीं मिला और अंत में आपके पास यही विकल्प बचते हैं क्योंकि जब पीछे विकेट कोई नहीं है तो आप बड़े शॉट्स जरूर लगाने होंगे यहां पर। Zolo goes for a big one, wide outside the off stump. That has taken a leading edge, one bounce straight to the backward, a point for 4. It's a Zolo power now.
जी बिल्कुल, और एक उमदा शॉट है लगाया यहाँ पर बल्लेबाज जहूर जोलूर, और जिसकी आवश्यकता है यहाँ पर, लगातार 14 रन अभी तक बनाए हैं इस बल्लेबाज ने, बहुत ही उमदा बल्लेबाजी। कहते हैं ना कि जब स्लैश करे तो जोर से करें, इस बार ऊपरी किनारा, दो टप्पे के बाद गेंद बाउंड्री के बाहर 4 रनों के लिए। एब्सोल्युटली दैट वाज इवेंचुअली अ स्ट्रांग स्लैश व्हाट लवली उमर इज mentioning here, and superb anticipation from Zuhur Zola. Zuhur Zola moves in a jiffy on 17 from 8 balls. He comes in, Nadeem Dar right above the stumps. Zola goes again. There is no protection in the deep. One bounce straight to the fence for 4. जिन्हें एक बड़ा छक्का लगा दिया एक बार फिर से जहूर जोलू के बल्ले से, और जितनी प्रशंसा की जाए उतनी कम इस बल्लेबाज की, और एक उमदा शॉट 6 रनों के लिए, और इस छक्के के साथ जो है आत्मविश्वास बढ़ जाएगा, और अभी कुछ कहा नहीं जा सकता। आप अपने डेटा और फोन को चार्ज पे रखें और आनंद लीजिए इस मैच का। जी हाँ, इस बार तो उनके पाले में गेंद थी, गेंद को निकाला डीप मिड विकेट के ऊपर से, गेंद गई दर्शक दीर्घ में, जहूर जोलू के बल्ले से एक और महत्वपूर्ण छक्का निकलता हुआ। एंड हियर ऑन दिस सिंपल थिंग इज फॉर जहूर जोलू, ओनली वन थिंग, गो एंड टेक द स्ट्राइक, दिस इज लास्ट विकेट फॉर द टीम। जहूर जोलू द ओनली होप फॉर द बीसीसीआई 11 बारामूला, इफ ही गेट्स आउट इट्स एंड ऑफ द जर्नी एंड एंड ऑफ द कॉन्टेस्ट एज वेल। जी हाँ, ये तो आखिरी विकेट है, 18 गेंदों में 41 रन चाहिए मैच जीतने के लिए बीसीसीआई। जैसे जो रुकाई रन रेट थी वो 15 के आसपास थी, देखिए आप जब बड़े शॉट्स लगे अब 13 के आसपास पहुंच चुके। मैन वाज दैट्स हैव अ लुक ऑन द फील्डिंग, आबिद नबी कम्स इनटू चार्ज नाउ, इट्स थर्ड मैन हैज बीन प्लेस्ड इन, वी हैव अ बैकवर्ड अप पॉइंट विद इन द सर्कल इज देयर, वी हैव अ शॉर्ट कवर मिड ऑफ, देयर इज नो लॉन्ग ऑफ, नबी गोज इन, and this time this is going to be good for Zuhur Zolo, and that's a big fumble, and insane work done by the man at the short cover. Finally this jag gets a run there, number 11 batsman, it is Muntazim Bashir, he is opening his account, he moves up to 1, equation here is 17 balls 40 runs. और अच्छी बात यह है कि अब छोट बदला है उन्होंने, यानी कि जहूर जोलू जो है वो अब स्ट्राइक पे आ रहे हैं, 17 गेंदों में 40 रन चाहिए उनको मैच जीतने के लिए। 925 व्यूअर्स इस समय हमारे साथ जुड़ते नजर आ रहे हैं, अभी तभी लगातार फील्ड में परिवर्तन कर रहे हैं। लीव व्यूअर्स एसाइड, दिस टाइम व्हाट मैटर्स, आबिद नबी वर्सेस जहूर जोलू, दिस इज गोइंग टू बी अ जिमी कॉन्टेस्ट, लेट्स सी हु इज गोइंग टू विन द कॉन्टेस्ट एट द एंड। जहूर जोलू पावर इज एब्सोल्युटली बेस्ट इन द बिजनेस, ही गोज आबिद नबी, सोलो ओवर 1, व्हाट अ शॉट, terrific shot, find the gap, beat the man, Nazir Tiger throw the cow corner, it's a boundary, वहाँ खिलाड़ी मौजूद था लेकिन दर्शक होके वो वहाँ रन बन जाएंगे, गेंद बाउंड्री के बाहर 4 रनों के लिए, 16 गेंदों में अभी भी 36 रन चाहिए मैच जीतने के लिए। बहुत ही अच्छी बल्लेबाजी, अनुशासन के साथ इस समय बल्लेबाजी करे जहूर जोलू, 24 कैरेट खरा सोना है ये बल्लेबाज। Absolutely, he is a pure diamond. He goes again. This time couldn't hit the ball. You should send batsman back. Oh, this is an insane run between the wickets. So either you have to be very much committed. 3 balls have been bowled in this over. Abid Nabi goes back to the top of his bowling mark. That has brought now new batsman on the strike. और मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि उन्होंने ये रन क्यों दौड़ा, जिस तरह से भारतीय कप्तान महेंद्र सिंह धोनी जब वो टैलेंट के साथ बल्लेबाजी कर रहे थे, क्योंकि हमें ये मालूम है जो करना है वो जोर जोलों को करना है। लवली टू प्ले विद यू नो talenters is an art, and if somebody is doing a job like that, he is an artist. So Zuhur Zolo is playing with number 11 batsman there, so if here on Zuhur Zolo manages to sustain the pressure at the last pair, he will be absolutely called as a diamond of the team. This is a good strategy by the batsman there, and Zuhur Zolo is not convinced, and Zuhur Zolo is have a deco. It's 15 balls and 35 runs needed now. और उनके चेहरे पे जो प्रतिक्रिया है वो थोड़ा निराशाई झलकती नजर आ रही है, लेकिन मुझे समझ में नहीं आ, अगर आपके हाथों में वो चीज है तो आप वो निश्चित तौर पे करें, पिछला गेंद पे जो आपने रन दौड़ा था। सिंगल इज अवेलेबल इन द ग्राउंड, देयर इज लॉट ऑफ डायलेशन बिटवीन द प्लेयर्स हियर ऑन द ऑन साइड, ही कम्स इन, दिस टाइम जहूर जोलू इन अ जिफी गेट्स अ रन, नज़ीर टाइगर बैक ऑन हिज टोज, बट ही विल नॉट हैम्पर बोथ द बैट्समैन
It's one more addition to the tally. 13 balls to go. It is 34 runs needed now. जहां 13 गेंदों में 34 रन चाहिए मैच जीतने के लिए बीसीसी बारामूला को, लेकिन सिटी हंकर्स कश्मीर जिम खाना को केवल एक विकेट चाहिए सुपर कप जीतने के लिए। लवली, हमें यहाँ पर एक वन के टच किया है, तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी व्यूअर्स को हमारे साथ जुड़ने के लिए। कोटि कोटि शुभकामनाएं आप लगातार इस वीडियो को। अगली बार फिर से कमेंट्री छोड़ से जोर जोरों ने निकाला गेंद को लॉन्गर की ओर, वहां नजीर टाइगर मौजूद है, एक रन से संतुष्ट करना पड़ेगा। Is that Zuhur Zola will contain his strike, and that is going to be a good thing for Baramulla BCC 11. They are in absolutely now in a different planet, and some hopes are alive here for the team BCC Baramulla 11. 183 on the board, 12 balls to go, 33 runs needed. This is going to be a deciding over. Every delivery, in fact, is a deciding ball because this is the last pair. City Gymkhana need to go only with a good delivery there. There is some problems on the video here. Lovely, if you can intervene. We beg your pardon. जहाँ थोड़ी सी दिक्कतें हमें नजर जरूर आ रही थी, 12 हेडमास्टर वी आर मिसिंग हिम अब्दुल रकीब हियर। 12 गेंदों में 33 रन बनाने होंगे मैच जीतने के लिए। जोहर जोलो ने अब तक 13 गेंदों में 29 रनों का योगदान दिया, 3 चौके 2 छक्के, लेकिन अभी भी मैदान के अंदर वो उपस्थित है, मौजूद है। सिटी हंकर्स जिमखाना को एक विकेट चाहिए सुपर कप जीतने के लिए, वही बीसीसी बारामूला को। And I'm here, Abhida, you know, one of the great players from Gandharbal. Nisar sahab, kya lag raha hai? So, inshallah, jeet jayenge. और जोर जोलो की हिटिंग कमाल की हो रही है। कोई बात नहीं, इस ओवर में आ जाएंगे इंशाल्लाह। अच्छा अच्छा, बहुत बड़ा फाइनल है। बिल्कुल, बहुत बड़ा फाइनल है और बहुत अच्छा भी लग रहा है। निसार बोल्स बिग नेम, बिग प्लेयर, एंड जोर जोलो इज हैविंग अ लुक ओवर ऑल द यू नो प्लेयर्स हियर। इन फैक्ट नदीम डार कम्स Pen ultimate ball, beautifully ball. That was a terrific ball. This is a ball where you can beat Zuhur Zolo. और जहाँ बहुत बढ़िया गेंद, झट में गेंद थी, गेंद इस बार बल्लेबाज ने bowler's back drive खेला, इस बीच रन बनाने का कोई भी संभावना नहीं। Simple equation for Zuhur Zolo is take a calculator, is get to at least sixes in this over and a boundary. जी बिल्कुल, अब यहाँ से बड़े shots लगाने होंगे और strike खुद लेनी होगी Zuhur Zolo को। बड़ा shot. That is number one, I guess. If I am not mistaken, let's have a wait and watch. Umpire goes to take a notes of it. It's one bounce straight to the fans for four. He needs now two sixes at least to sublime the pressure. जी बिल्कुल, अब कुछ कहा नहीं जा सकता। क्रिकेट अनिश्चितताओं का खेल है। 10 गेंदों पे अभी भी 29 रनों की दरकार और जोर जोलू कर सकते हैं। अगर वो 10 गेंदें पूरे खेलेंगे तो निश्चित रूप से मैच समाप्त तो हो जाएगा। दिस मैच इज नॉट येट डन, वी आर इन ओवर नंबर 58। और बिल्कुल सही कहा आपने, अगर अभी भी हमें ये मालूम नहीं है कि ये कौन सा टीम मैच जीत सकती है, तो इससे आनंद और कहीं पे आया नहीं। 187 ऑन द बोर्ड, नदीम डार कम्स एंड ही विल बी बॉलिंग टू जोलो। ही गोज अगेन, दिस टाइम डिड इट टाइम वेल, प्लेसमेंट इज बेटर एंड कैच हैज बीन टेकन, देयर इज अ सिक्स। ओह गॉड, व्हाट अ बिग एंड टू इन फॉर द टीम। और जी हां, खिलाड़ी वहां मौजूद था और उन्हें कैच भी लपका था, लेकिन उनका पांव बिल्कुल सीमा रेखा के बाहर, अंपायर के इशारा 6 रनों के लिए। हु वाज द फील्डर? इट लुक्स लाइक it's far away, it's really far away. Six, oh god, this was a terrific, maybe the brother of Atif Nabi, his brother Atif Nabi was there. और बिल्कुल सही कहा आपने, आतिफ नबी लॉन्ग ऑफ के सीमा रेखा पर मौजूद थे। 9 बॉल्स एंड 23 रन्स, दिस इवेंट हैज गॉट बैक इनटू द फायर नाउ। जोहर जोलो इज मेकिंग मॉकरी आउट ऑफ इट। इफ बीसीसी बारामूला वांट टू विन दिस मैच, If they want to win this final, then Zuhur Zolo's gun is absolutely need to be blazed out. Oh, Ejita Anders playing straight the first slip and the second slip into the fans for four. और जी हाँ, भागे बहादुरों का साथ देते हैं। इस बार बाहरी किनारा फर्स्ट स्लिप के ऊपर से गेंद बाउंड्री के बाहर चार। What a contest! What a contest! This match is going tremendously in favor of both the teams now. It's a 50-50 chance here on Main Awaaz. बिल्कुल, 8 गेंदों पे आप केवल 19 रनों की दरकार है मैच जीतने के लिए और जोहर जोलो जो है पूरी तरह से छाए हुए That is why every time I speak about it, even all the commentators throughout the globe speaks that there should be a patience displayed by every player. I think the late middle orders, they have lost their momentum. They have got bad short selections and lost wickets. Nadim Dar comes once more in this over.
8 balls, 19 runs. Oh God, that was a terrific ball. Zuhur Zola hitting his pads, not hitting the bat, not hitting the ball. In fact, he has hit his left pad there. He could not hit the ball. Equation now simply is 7 balls, 19 runs. और सबसे बढ़िया बात, किस ब्रांड से वो इस समय ये छक्के लगाते हैं, इससे पता चलता है कि किस ब्रांड, कितना बढ़िया ब्रांड है. Kiss is blazing out, absolutely. Kiss is one of the big brand of the valley. He goes, what a shot! It was the shot of the day and shot of the event. What a fielding, oh my God, that's insane field. और जहां अगर आपको एक्रोबैटिक फील्डिंग, लुक एट द फील्डर्स एंड लुक एट द ऑल द प्लेयर्स कमिंग आउट ऑफ द डगआउट ऑफ द बीसीसी 11 बारामूला कमिंग इनटू द फील्ड नाउ. और इसी के साथ ओवर की समाप्ति, लेकिन अच्छी बात यह है कि जोर जोर स्ट्राइक पे है. जी बिल्कुल, अब 6 गेंदों पे चाहिए 18 रन मैच जीतने के लिए, अब केवल 3 हिटे चाहिए. टू बी वेरी ऑनेस्ट, लेट्स आस्क द क्वेश्चन टू द व्यूअर्स, हु इज गोइंग टू विन दिस मैच. Who is going to win this match? This is going to be a good question to all the viewers, because the match is equally rotating now. Ji bilkul, sabhi viewers ke liye ek bada prashn hai, sawal hai. And who is going to the ball? Either Nabi, Abid Nabi or somebody else. Abid Nabi has been brought into the attack. So can he rescue the team? 1.3 ke is samay is match ka anand le rahe hain unke captain Abid Nabi. Ab antim over karenge, 6 gendon mein 18 run chahiye. And Zuhur Zola here, 19 balls, 44 runs, 5 boundaries, 3 sixes, 231 in a 30 overs innings is his strike rate. Ji bilkul lajawab paari kheli Zuhur Zola ne. Agar Zuhur Zola yahan se match ko jeete hai to kafi samay tak yaad rakhenge is match ko. Man, I reported the ground, I think there was some other char in the commentary box, because match at that time was quite lazy. But once there were Jahangir Bakshi and Shahnaz Nazir, they put a good partnership. I think that brought momentum back, and so is the comb box of KSW. बिल्कुल सही कहा आपने. जब आप आए थे कमेंट्री बॉक्स में, उस समय मैच शांत स्वभाव में चल रहा था, लेकिन जितना जितना समय गुजरता गया और तनाव और ज्यादा बढ़ता गया. And Jahangir has placed mask over his face now. और बिल्कुल सही कहा आपने, और इस तरह की दिक्कतें हमेशा नजर आती है खिलाड़ी के सामने. लेकिन सबसे बढ़िया चित्र इस समय मैदान के अंदर यह है कि आबिद नबी गेंदबाजी करेंगे ठीक कमेंट्री छोड़ एंड से. दैट इज फ्रॉम द KSW कॉम बॉक्स, एंड आबिद नबी, ही इज हैविंग अ शीर एक्सपीरियंस ऑफ पिंक बॉल क्रिकेट. एंड ऑन द स्ट्राइक इज Zuhur Zola, हैविंग अ लुक ऑन द फील्डिंग, हैव अ डेको. इट इज थर्ड मैन इन एक्शन, बैकवर्ड अपॉइंट नदीम डार. वी हैव अ Jahangir at the straightish point, Nisar Borsu at the short cover, Mehraj Molvi at long off, Nazir Tiger at long on, Abid Nabi goes in, Zuhur Zola is, oh what a shot from Zuhur Zola, improvisation, ramp shot, straight into the third man fans for 4. और लाजवाब शॉट, इस शॉट के लिए आपको कलेजा चाहिए, वो Zuhur Zola के पास जरूर है. This was a kind of Imtiaz Mulla shot that he played at the SNW in the semi-finals. बिल्कुल सही कहा जी, बिल्कुल एक रचनात्मक शॉट है देखने को मिला Zuhur Zola के बल्ले, और इस समय नजाकत के साथ खेला, और जिसको हम दिलशान सुकूब भी कहते हैं. Absolutely, I am really, you know, a neutral commentator. You two have to be neutral, but to be very honest, my heart is highly palpitating. So sub district hospital is very close to this ground. So abhi chale commentary chhodne se, agli bar over pitch gaya, usko gend ko khela aur khiladi bhi ja rahe hain. Nazir Tiger galtiyan nahi karte hain, isi ke sath ye match unhone jeet liya hai. I guess that was looking like a no ball. Let's have a deck over it. Oh God, let's wait, and he has been given out. Finally, Nazir Tiger has taken a tremendous and a beautiful catch. Oh God, what has happened here? This is absolutely a nasty thing for Zuhur Zola, the man who has brought the team back on the toes, back on the hopes. Finally, the crowd is thronging in into the stadium here. Lovely, Umar, be cautious here. Your mobile will be hit out. And this is looking like to be Zuhur Zola. He has been put on the shoulders despite losing a match, and he has been put on the shoulders. That's a different scenario of the game. जी बिल्कुल, इस बल्लेबाज ने अपनी स्वाभाविक खेल दिखाया, और यहाँ पर क्या ये नो बॉल थी, क्या ये नो बॉल थी, ये काफी that will be reviewed and that will be, you know, seen at the later part, and it was looking like above waist there. It will be a crucial decision at the end, and for some time it was looking like to be a no ball there, but finally umpires are the better.
jury and they have taken a decision. Whatever happened, finally umpire's decision is final and the opponent team, they have won the match. और बिल्कुल सही कहा आपने, एक करीबी मामला जरूर था लेकिन हम अपनी प्रतिक्रिया यहां से नहीं दे सकते हैं जैसा आपने कहा. Lovely umpire, see the commentator is the other officials and the crowd are no one to play the role in the decisions of the umpire. So we have to maintain a discipline in the ground. Whatever happened, we are all brothers, be it from South Kashmir to North Kashmir, here at the Sopore town in Apple town. It was a magnificent game of cricket. Whatever happened, but it was Zuhur Zolo's show. He could not rescue the team at the end. He was expecting a no ball, that's why he hit the ball. But finally it was the two umpires who have taken Hawkeye decisions there, and it is the City Gymkhana who have lifted the trophy up 60 overs match. और बिल्कुल सही कहा आपने, अंपायर से थोड़ा सा निराश नजर आ रहे हैं लेकिन नियमानुसार ये मैच सिटी जिमखाना ने जीता है और वो इस समय जीत का जश्न मना रहे हैं. लेकिन एक बात तो माननी पड़ेगी कि क्रिकेट की यहाँ विजय हुई है. देखिए जोर जोलो की टीम ने हारा है. लवली, देयर इज वन थिंग अबाउट द अंपायर्स, आई मस्ट से हियर दैट यू नो सम टाइम इफ यू हैव अ कंफ्यूजन वेदर इट्स अ नो बॉल और इट इज नॉट अ नो बॉल, यू कैन गो, यू कैन हैव अ यू नो चैट बिटवीन द टू अंपायर्स बिकॉज एट द क्रूशियल जंक्शंस ऑफ द मैच द decisions are very important. Sometimes decision can water all the hopes of the opponent team, it can even knock out them from the event. So I think sometimes the umpire should come very close to each other and try to mitigate the pressure and try to take eventually a good decision at the end. Aur bilkul sahi kaha aapne, kyunki Wadia Kashmir ka jo cricket hai technology ka utna badhiya upyog nahi kiya jata hai. Aise mein umpire do aapas mein baat cheet bhi kar sakte hain lekin filhal badhaiyon ka silsila is samay सिटी जिमखाना के ओर दर्शक देते हुए. और मुझे एक अच्छी चीज नजर आई कि यहाँ क्रिकेट की विजय आज हुई है इस मैदान के अंदर. या क्रिटिक्स लूजेस एंड क्रिकेट विनर्स, दैट्स व्हाट सोपोर इज नोन फॉर. सोपोर अ बिग टाउन, इट इज ऑलमोस्ट इक्विवेलेंट टू अ सिटी व्हिच इज जनरेटिंग यू नो huge revenues across the Jammu and Kashmir state. It is having its own important Sopore town, and for the first time I came here in this ground, but I have been the student of college ground. I know the importance of Sopore, which has every time played a vital role, be it the sports, be any other activity of the state. I mean Sopore, the apple town, which is one of the largest apple town producing town, which was absolutely enjoying today cricket, and people are not satisfied with umpire decision. But whatever happened today, it was magnificent cricket here at the Subhana Stadium, Sopore. और जहाँ सोपोर क्रिकेट एसोसिएशन के जो आला अधिकारी होंगे, मुझे लग रहा है कि वो काफी खुश होंगे क्योंकि इस तरह के इवेंट्स हमेशा वादिया कश्मीर में देखने को नहीं मिलते हैं. अभी भी 800 से अधिक लोग हमारे साथ जुड़ते हैं हालांकि मैच समाप्त हुआ है. एक्चुअली दिस मैच वॉज ऑलमोस्ट होम मैच फॉर द टीम ऑफ BCCI 11 बारामूला. दे हैव अ स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एंड क्राउड वर थ्रॉन्गिंग इन द स्टेडियम मेनी ऑफ द टाइम्स बिकॉज ऑफ BCCI 11 बारामूला. सो फाइनली व्हाट आई मेंशन हियर, वी ऑल फ्रॉम साउथ कश्मीर टू नॉर्थ कश्मीर, फ्रॉम सेंट्रल कश्मीर टू ईस्ट वेस्ट, वी आर ऑल ब्रदर्स हुसोएवर हैज वन दिस मैच, एंड वी शुड ट्राई टू होल्ड अवर नर्व्स एंड give respect to each and every decision of the umpires. और जैसा हम हमेशा पारंपरिक तौर पे कहते हैं कि ये क्रिकेट हमें दो ही चीजें सिखाती है, एक तो डिसिप्लिन और दूसरी हार न मानने का जज्बा. मुझे लग रहा है कि पैसा वसूल मैच था ये, ऐतिहासिक मैदान सुभान स्टेडियम सोपोर से हम अपने व्यूवर्स तक लाइव कवरेज इस समय दे रहे हैं और काफ़ी खुश भी नजर आते हैं. मुझे लग रहा है कि सोपोर क्रिकेट की ये विजय हुई है. जैसा आप अपने स्क्रीन के सामने पोस्टर देख रहे हैं, सोपोर क्रिकेट एसोसिएशन आपके सामने चित्र आ रहे हैं. आई हैव ऑलरेडी मेंशन यू दैट सोपोर इज हैविंग इट्स यू नो एब्सोल्यूट इंपॉर्टेंस थ्रू आउट नॉट ओनली इन बारामूला डिस्ट्रिक्ट बट अक्रॉस द जम्मू एंड कश्मीर यूनियन टेरिटरी. सो सोपोर विच इज नॉट नोन फॉर ओनली एप्पल, some beautiful and tasty and crispy apples, but also for sports activities, for business hub. This is one of the magnificent business hub, and that's why this is called as London of Kashmir. और बिल्कुल सही कहा आपने, पिछले कुछ वर्षों से सोपोर में क्रिकेट को लगातार नीचे किया जा रहा था लेकिन एक अच्छी पहल थी और मुझे लग रहा है कि इंशाल्लाह आने वाले समय में भी इस तरह के इवेंट्स होते रहेंगे. और क्योंकि युवाओं के लिए एक बहुत बढ़िया संकेत है, जैसा आज इतवार थी और छुट्टी का दिन था, मैदान के अंदर जो माहौल उत्पन्न हुआ था वो देख के अच्छा लगा है और दर्शकों ने भी बहुत अच्छा सहयोग किया. हम दिल की उम्मीद गहराई से commentator, to be very neutral and to be very honest with our profession. Manamas, do you think umpires should go for a call to decide the things not individually but bilaterally? The decision should be taken sometime when there is lack of technology. We are lacking the technology here, but we have to think some other
अदर थिंग ओपिनियंस एज वेल. देखिए जो क्रिकेट है, क्रिकेट अनिश्चितताओं का खेल, एक ऐसा मैच था यहाँ पे गलतियां करना मना था. देखिए अंपायर जो है आपस में थोड़ा सा मशवरा कर सकते हैं क्योंकि एक टर्निंग पॉइंट था. अगर यहाँ से जोर जोर ये गेंदे खेलते तो निश्चित रूप से मैच समाप्त हो सकता था. सी यू कैन वॉच दिस डिलीवरी एट द एंड ऑफ द मैच एज वेल. स्टे ट्यून्ड ऑन कश्मीर सपोर्ट्स वॉच. वी आर हेडिंग टुवर्ड्स द प्रेजेंटेशन समरी नाउ. दिस वॉज अ ब्लॉकबस्टर संडे, सुपर संडे. इट वॉज लुकिंग लाइक ए मूवी वॉज रिलीज्ड इन सोपोर टाउन ऑफ सपोर्ट्स हियर. एंड व्हाट अ मैच एंड व्हाट अ बिल्ड ऑफ अ फाइनल्स. हेडिंग टुवर्ड्स प्रेजेंटेशन समरी नाउ. जी, उसके विषय पे अब आज बातचीत जरूर होगी. प्रेजेंटेशन के द्वारा हम आपके साथ एक बार फिर जुड़ेंगे. हमें उम्मीद है कि आप हमारे साथ लगातार बने रहेंगे. सहयोग करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया.